वा आजको ट्रेनिङ सेसन भनौँ, यहाँहरू सबैजनाको बौद्धिक वृद्धि विकासको लागि आयोजना गरिएको कार्यक्रम हो। हामीहरू धेरै नै खुसी छौँ। आज हाम्रो पार्टिसिपेन्ट्सहरू लगभग हामी 350 पुगिसकेका छौँ र अझै पनि हामी 200-250 साथीहरूलाई अपेक्षा राखिरहेका छौँ र यो आजको कार्यक्रम अत्यन्त सफल हुन्छ भन्ने हामीले आशा पनि राखेका छौँ। मेरो आवाज सुनिराख्नु भएको छ? ओके, सुनिराख्नु भएको छ, थ्याङ्क यू सो मच। आज यो आजको कार्यक्रम जुमबाट गरिएको हुनाले हामीहरूले चाहिँ यो प्राविधिक कारणले गर्दा सबै साथीहरूलाई म्युट गरेको छौँ, किनभने बिचबिचमा केही न केही डिस्टर्बेन्सेसहरू होला भन्ने किसिमले चाहिँ सबै साथीहरूलाई म्युट गरेको छौँ। यहाँहरूले चाहिँ आजको कार्यक्रम धैर्य धारण गरेर कृपया राम्रोसँग सुनिदिनु होला। जे जति हाम्रो अहिले एकछिनमा आउनुहुने ट्रेनर्सहरूले जे जति दिनुहुन्छ त्यसलाई राम्रोसँग ग्रहण गरिदिनु होला र यस कार्यक्रमबाट आजको सेसनबाट जति सक्दो हुन्छ धेरैभन्दा धेरै यहाँले लिएर जानु होला। आजको हाम्रो ट्रेनरको बारेमा अलिकति बताइन्छ। आजको हाम्रो ट्रेनर एउटा इन्टरनेसनल ट्रेनर हुनुहुन्छ, उहाँ भारतीय नागरिक हुनुहुन्छ, त्यसैले आजको धेरै जसो उहाँको ट्रेनिङ सेसन चाहिँ अङ्ग्रेजी र हिन्दीमा मिक्स भएर आउँछ। त्यसैले यहाँहरूलाई यदि बिचमा केही कुरा बुझिएन, केही कुरा अप्ठ्यारो परेको छ भने यहाँहरूले टिपेर राख्नु होला र त्यसपछि चाहिँ अन्तिममा यहाँहरूले हामीलाई त्यो च्याटको मार्फतबाट हामीलाई पठाउन पनि सक्नुहुन्छ अथवा हजुरको नजिकको ब्रान्च म्यानेजर अथवा प्रोभिन्स हेड जोसँग हजुरले कन्ट्याक्ट गर्नुहुन्छ उहाँसँग कन्ट्याक्ट गरेर अनि त्यो प्रश्नको अथवा कुनै पनि दुविधाको चाहिँ त्यहाँबाट उत्तर लिनुहोला अथवा भएन भने हामीले त्यसलाई हेड अफिसबाट पनि त्यसलाई निराकरण गर्नेछौँ। सो आजको कार्यक्रमलाई सुरु गरिदिनलाई फर्मल्ली सुरु गरिदिनको लागि आज हामीसँग यहाँनिर हेड अफिसमा हाम्रो बिजिएम सर हुनुहुन्छ, हाम्रो एजेन्सी हेड सर हुनुहुन्छ र प्राविधिक रूपमा सपोर्ट गर्नको लागि हाम्रो आइटी सर हुनुहुन्छ। यहाँहरू सबैजनालाई स्वागत छ र यस कार्यक्रमलाई फर्मली स्टार्ट गरिदिनु होला। सानो छोटो मन्तव्य राखिदिनुलाई हाम्रो डिजिएम सरलाई मैले आग्रह गर्न चाहन्छु र डिजिएम सरलाई मैले यो फोरमलाई फरवर्ड गरेँ। थ्याङ्क यू ब्रजी। नमस्ते, रेकर्डिङ इन प्रोग्रेस। सबैजना साथीहरूलाई नमस्कार, गुड आफ्टरनुन। सम्पूर्ण प्रभु लाइफका लिडर्स र शुभचिन्तकहरूमा फेरि पनि म सोन आलेमहरूको तर्फबाट र साथै प्रभु लाइफ परिवारको तर्फबाट स्वीकार्नुहोस् न्यानो अभिवादन तथा नमस्कार। सबैजना साथीहरूलाई चाहिँ यो हाम्रो सेल्स ट्रेनिङको यो सेसनमा चाहिँ तपाईँहरू सबैजनालाई स्वागत छ। र यो हामीले धेरै अगाडिदेखि प्लान गरिरहेको थियौँ, किनभने फिजिकली एभ्री टाइम यस्तो खाले मिटिङ यस्तो खाले ट्रेनिङ हामीले गर्नु सक्दैनौँ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जुमबाट भए पनि अनलाइनबाट मार्फतबाट भए पनि चाहिँ हामी यस्तो प्रोग्रामहरू गरौँ जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो साथीहरूको स्किल एनहान्समेन्ट होस्। र एउटा 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 इङ्ग्लिसमा के भनाइ छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको चाहिँ इफ यु वान्ट टु अर्न मोर यु हेभ टु लर्न मोर। तपाईँलाई धेरै अर्न गर्नु छ भने चाहिँ तपाईँले चाहिँ धेरै लर्न गर्नै पर्छ, कमाउनुको लागि सिक्नुपर्छ, त्यसको कुनै विकल्प छैन। र यो हाम्रो चाहिँ अहिले यो अहिले हामीले गर्नु खोजेको चाहिँ एउटा सानो प्रयास होस् कि तपाईँहरूको स्किल बढोस्। मैले यसलाई चाहिँ अलिकति कहाँ पनि जोडेँ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो यो पेसामा चाहिँ हाम्रो इन्सुरेन्स र हाम्रो यो सेल्सको पेसामा चाहिँ सेल्स र मनीको चाहिँ एक एउटा रिलेसन छ। एउटा रिलेसन के छ भन्दाखेरि चाहिँ नो सेल्स नो मनी, भेरी सिम्पल है। लिटिल सेल्स लिटिल मनी एन्ड मोर सेल्स मोर मनी एन्ड एक्स्ट्रा अर्डिनरी सेल्स एक्स्ट्रा अर्डिनरी मनी। बट फर द्याट एक्स्ट्रा अर्डिनरी मनी र फर द्याट एक्स्ट्रा अर्डिनरी सेल्स त्यसको लागि चाहिँ तपाईँको चाहिँ टेक्निक्सहरू र स्किल्सहरू हुनु जरुरी छ। र आजको यो हाम्रो चाहिँ ट्रेनिङ सेसन त्यही स्किललाई एनहान्स गर्नुको लागि चाहिँ हामीले यो प्लान गरेको हौँ। र फेरि पनि मैले तपाईँ सबैजना साथीहरूलाई चाहिँ यस ट्रेनिङ र सेल्स सेसनमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई फेरि पनि पुनः स्वागत गरेँ र अघि प्रयासजीले चाहिँ डिटेलिङ दिइसक्नु भएको छ। हाम्रो आजको चाहिँ सेल्स ट्रेनर जो हुनुहुन्छ, सेल्स कोच मोटिभेटर जो हुनुहुन्छ, उहाँ इन्सुरेन्स लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरमै दशकौँ उहाँले चाहिँ लगभग उहाँको 14 वर्षको एक्सपिरियन्स छ सेल्समा प्लस ट्रेनिङमा। र उहाँ आफै पनि चाहिँ एज अ एजेन्सी काम पनि गरिराख्नु भएको छ र विभिन्न टाइटलहरू उहाँले चाहिँ लिइसक्नु भएको छ।
एमडिआरटी सिओटी टिओटी तपाईँ सबैजना साथीहरूलाई छँदैछ थाहा छँदैछ र पक्कै पनि यो सेसन हाम्रो लागि एकदम फ्रुटफुल हुनेवाला छ र यसको साथसाथमा मैले दुई तिनवटा कुरा अलिकति के जोडेँ भन्दाखेरि चाहिँ प्रभु लाइफले आफ्नो अभिज्ञता साथीहरूको लागि विभिन्न कम्पिटिसनका स्किमहरू ल्याइरहेको छ र हामीले कालिम्चोकको स्किम जो लिएर आएको छ इट वाज अ ह्युज हिट त्यसपछि त्रिशुलीको पनि लिएर आएको थियो त्यो पनि इट वाज अ ह्युज हिट त्यसपछि हामी इबिसीको पनि लिएर आएको थियौँ त्यसमा पनि चाहिँ एकदम रमाइलो भयो त्यो इबिसीको प्रोग्राममा म आफै पनि जाने मौका पाएको थिएँ त्यहाँ जो क्वालिफाई भएर आएका साथीहरूले एकदम इन्जोय गर्नुभयो एकदम रमाइलो गर्नुभयो र अहिले यो महिनामा पनि हामीले स्किम राखेको छौँ अहिले चाहिँ हाम्रो बन्दीपुर र घलेगाउँ कम्बाइन्ड प्याकेजको एउटा स्किम राखेको छौँ 2,75,000 चाहिँ र सुरुवाती हिसाबमा चाहिँ तपाईँको 5,000 पनि हामीले सुरुवात गरेको छौँ हुन त अब कम्पनीहरू अब नेपालमा लगभग जोइन्ट नभएको अवस्थामा 19 र जोइन्ट भइसकेको अवस्थामा चाहिँ जोइन्ट मर्जर भइसकेको अवस्थामा 17 कम्पनी छ तर जहाँसम्म मलाई लाग्छ कि यति सानो रकममा चाहिँ यसरी चाहिँ स्किमहरू ल्याउने कम्पनीहरू एकदम कमै छ हामीले 5,000 नै सुरुवात गरेको छौँ र त्यसै गरी एउटा स्पेसल टुरको स्किम पनि छ डिटेलिङ तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो सम्बन्धित शाखाबाट अथवा शाखा प्रमुखबाट पाइ नै सक्नु भएको छ होला 12,00,000 चाहिँ मेरो चाहिँ तपाईँहरूलाई चाहिँ शुभेच्छा के छ भन्दाखेरि चाहिँ आजको यो सेसन पछि जो साथीहरू चाहिँ यो स्किममा पुगिसक्नु भएको छ जितिसक्नु भएको छ उहाँहरूलाई त अग्रिम शुभकामना बधाई पनि र जो जो साथीहरू पुग्नु भएको छैन जित्नु भएको छैन यो स्किल एनहान्समेन्ट ट्रेनिङ पछि चाहिँ तपाईँहरू त्यो जति पनि कम्पनीले ल्याएका स्किमहरूमा चाहिँ पर्नुहुनेछ भन्ने हिसाबले मैले चाहिँ विश्वास र आशा लिएको छु र जहाँसम्म मलाई लाग्छ कि हाम्रो यो प्रभु लाइफको चाहिँ आजको सेसनमा चाहिँ बिकज इट इज ओपन सेसन यो ओपन सेसन भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ प्रभु लाइफसित आबद्ध भएका साथीहरू र सायद केही नयाँ साथीहरू जो प्रभु लाइफसित अहिले आबद्ध नभइसकेको अवस्थामा पनि उहाँहरू पनि जोडिनु भएको छ होला म उहाँ सबै साथीहरूलाई चाहिँ प्रभु लाइफ परिवारमा चाहिँ म निमन्त्रणा र म स्वागत गर्दछु र अन्तिममा एउटा मैले सायरीको साथमा चाहिँ मैले आफ्नो भनाइहरू अन्त्य गरेँ कि मन्जिले उनको मिल्ती है जिनके सपनोमै जान होती है है मन्जिल भन्दा उसले जसले पर्पस उसले लिएको छ उसले पाउने भनेको कसले हो जसको सपनाहरू हुन्छ त मन्जिले उनको मिल्ती है जिनके सपनोमै जान होती है अरे पङ्खो से कुछ नहीं होता दोस्तों हौसलो से उडान होती है हौसलो से उडान होती है त जसको हौसला छ जसको मनमा जज्बा छ उसले आफ्नो जीवनमा सफलता पाउँछै पाउँछ र त्यो हौसला र त्यो जज्बालाई चाहिँ अझै मजबुत बनाइदिनुको लागि हामीसम्म आइसक्नु भएको छ हाम्रा ट्रेनर श्री विजय झा सर उहाँलाई र सम्पूर्ण साथीहरूलाई फेरि पनि स्वागत गर्दै म अहिलेको लागि बिदा चाहन्छु हस् धन्यवाद अल द बेस्ट थ्याङ्क यू हस् धेरै धेरै धन्यवाद सोन सर हजुरको न्यानो मन्तव्यको लागि अब एक्चुली हाम्रो ट्रेनर सर सोन सरले भन्नुभएको जस्तै आइसक्नु भएको छ उहाँलाई पनि एकचोटि हाम्रो तर्फबाट एकचोटि स्वागत गर्छु उहाँको बारेमा थोरै म गर्छु So, Mr. Vijay Kumar Jha, very much welcome to you. First of all, I'd like to thank you from the on behalf of Prabhu Life Insurance for your presence here. Thank you so much for sparing your time and giving us your valuable time to train us something and to give us something today. We are very, very thankful and I'm sure today we are going to take lots of inputs from you and we are going to, be much better after this session. So thank you so much. And I would like to give you a short introduction about you. So Mr. Vijay Kumar Jha is a motivational speaker. He is a sales coach and he is the CEO of Kite Corporation. Mr. Jha has more than 12 years of experience on insurance domain. He has trained the topmost TOTs, COTs, MDRTs, insurance agents and agency managers. So he has the all-round experience in all kind of need-based training. So he has provided trainings on all different fields of trainings. So on this note, I would like to hand over the forum to you, Mr. Jha, and thank you so much once again. Thank you so much, sir. Thank you. Yeah, I'll be making you the host now so that you'll have much more easier in handling the training session. Okay, sir. Yeah. And so I would like to request you if we can keep the training session more on the language as Hindi, primary language, so okay. That most of our participants could understand. So thank you so much. Sure.
Thank you. Okay, yes, sir, you can proceed, sir. Okay, yeah, thank you. Thank you so much. Thank you. Good afternoon, everyone. Savai Janalai, namaste, namaste, namaste. So, I hope ki sabhi logo tak, yes, namaste sabhi logo ko. Meri awaaj, I hope ki sabhi logo tak aa rahi hogi. And before getting to start, I would like to thanks to all the team members, all the management, and all the board members. A special thanks to our respected CEO, sir, our respected DGM, Sri Son, sir, and all the Kathmandu headquarter members, जो मुझे मौका मिला आज प्रभु लाइफ के लिए बात करने को. बट सबसे पहले तो मैं अपना प्रेजेंटेशन ऑन करना चाहूंगा सो दैट आई कैन टॉक अकॉर्डिंगली माई प्रेजेंटेशन. या ओके वेट जस्ट वेट. सो मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हमारे सभी पार्टिसिपेंट से, हमारे सभी एजेंट फ्रेंड से, प्लीज आप लोग अपना हैंड रेज मत कीजिए क्योंकि उससे कुछ प्रॉब्लम होती है कभी कभी. सो प्लीज स्टॉप रेजिंग योर हैंड थ्रू जूम एप्लीकेशन. ओके सो वंस अगेन गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ आवर फ्रेंड्स. सब हमरो दीदी दाई सब जनालाय मो विजय कुमार झा नमस्ते नमस्कार. ओके सो दोस्तों आज सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को एक बार फिर से वेलकम करना चाहता हूँ इस प्रोग्राम में. आई होप कि मेरी वॉइस आप लोगों तक आ रही है. आ रही है यस और नो प्लीज मुझे एक बार चैट में कंफर्म कीजिएगा वेदर माई साउंड इज कमिंग टू यू और नॉट एंड माई वीडियो इज प्रॉपरली कमिंग टू यू और नॉट प्लीज. हेमराज हेमराज साहब ला थैंक यू. सो दोस्तों चलिए बात करते हैं आज अपने प्रेजेंटेशन के ऊपर. मेरा नाम है विजय कुमार झा. टाइम काफी कम है, एक से डेढ़ घंटे हमारे पास हैं, तो काफी सीरियसली काफी बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर बात करूंगा. बट सबसे पहले आप लोगों का फिर से एक बार मैं वेलकम करता हूं प्रभु लाइफ के हमारे सभी इंश्योरेंस एडवाइजर, हमारे सभी इंश्योरेंस प्रोफेशनल्स का इस प्रोग्राम में. इस प्रोग्राम को अरेंज करने के लिए मैं प्रभु लाइफ के सभी मेंबर्स को भी थैंक्स कहना चाहूंगा. और सबसे पहले मैं थैंक्स कहना चाहूंगा हमारे प्रभु लाइफ के सीईओ श्री संतोष प्रसाद जीव साहबला कि उन्होंने इस प्रोग्राम को इनिशिएट किया. और स्पेशल थैंक्स टू आवर रिस्पेक्टेड डीजीएम सर सोन सर और हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड, हमारे बहुत अच्छे मित्र श्री पदम राणा जी जो आई थिंक मे बी सम रीजन को वो हेड करते हैं, तो उनको भी मैं थैंक्स कहना चाहूंगा. दोस्तों आज के इस प्रोग्राम में सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि ये ऑनलाइन ट्रेनिंग है और ऑनलाइन ट्रेनिंग का एक अलग इम्पैक्ट होता है. ऑनलाइन ट्रेनिंग के बारे में हम लोग काफी सारी बातें करते हैं. लास्ट थ्री इयर्स After COVID 2020, मैं काफी सारे ऑनलाइन सेशंस लेता हूँ. एवरी डे मेरा प्रोग्राम होता है. मेरे बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा आप लोगों को क्योंकि ये जानना जरूरी है कि ये जो इंसान है, ये जो सामने जो ट्रेनर है, ये जो सामने मोटिवेटर है, इसकी एक्चुअल प्रैक्टिस किस में है, ये किस चीज में एक्सपर्ट है. तो मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा आप लोगों को. सी माई इंट्रो एज कोच एज ट्रेनर, मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा आप सभी लोगों को. ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात कहना चाहूंगा. आज मीटिंग खत्म करने के बाद मैं इमीडिएटली, मेरी फ्लाइट है फॉर बिहार, मुझे बिहार निकलना है. कल मेरी सेशन है तो उससे पहले आज की मीटिंग मैं कंप्लीट करूंगा. लेकिन दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को कुछ कहना चाहता हूं, वो ध्यान से देखिएगा. दोस्तों एक बात आपको बता दूं, मेरे बारे में जानने से पहले मैं सबसे पहले आपको बता दूं आज का जो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये लाइफ चेंजिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम है. इसके पहले भी आप लोगों ने काफी सारी ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड की होंगी, काफी सारे मीटिंग्स, काफी सारे सेमिनार्स इधर काठमांडू में, पोखरा में, विराटनगर में, वीरगंज में, चितवन में, चौराहा में, इठरी में, किधर भी आप लोगों ने अटेंड किया होगा. बट दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम विल चेंज योर लाइफ, इट इज माई प्रॉमिस टू ऑल ऑफ यू. दोस्तों सबसे पहले मैं हमारे सभी फ्रेंड्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, हमारे सभी फ्रेंड्स को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज आप लोग अपने मोबाइल फोन पे कोई भी ड्रॉ मत कीजिए, स्क्रीन कैप्चरिंग मत कीजिए, उससे मेरी स्क्रीन में डिफ्लेक्शन आता है, थोड़ा प्रॉब्लम आता है. दोस्तों मेरे बारे में आपको बताऊं, एज कोच एज अ ट्रेनर मेरा इंट्रोडक्शन. आई एम फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम मुंबई. एंड सबसे पहले मेरे इंट्रोडक्शन में आपको बता दूं, प्लीज जो भी है एंड्रॉइड्स ऑन मत कीजिए आप लोग. मैं इसको लॉक करता हूं, जस्ट वेट. लॉक एंड्रॉइड्स फॉर डिसेबल एंड्रॉइड्स फॉर अदर्स. ओके नाउ डन. सो दोस्तों मेरे बारे में आपको बता दूं, सिंस लास्ट 15 इयर्स
पिछले 15 सालों से मैं ट्रेनिंग में इन्वॉल्व हूं एंड पिछले 15 सालों से लास्ट 15 सालों से मैंने इंडिया में और इंडिया के बाहर इवन आई हैव डन मीटिंग्स फॉर LIC ऑफ इंडिया, LIC ऑफ बांग्लादेश एज वेल एज मैंने काफी सारी ट्रेनिंग प्रोग्राम नेपाल में भी लिए और एज वेल एज अभी तक मैंने मोर देन 3 लाख से ज्यादा इंश्योरेंस प्रोफेशनल को ट्रेन किया है। दोस्तों एड्रेस इंडिया टॉप इंश्योरेंस एडवाइजर कंडक्टेड सेमिनार्स फॉर नेपाल्स टॉप कंपनीज लाइक रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस, सिटीजन लाइफ इंश्योरेंस, IME लाइफ इंश्योरेंस, नेशनल लाइफ इंश्योरेंस, LIC ऑफ नेपाल एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेक सेशन फॉर प्रभु लाइफ फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ एंड यू वॉन्ट बिलीव नेक्स्ट मंथ इन मंथ ऑफ मार्च इन फैक्ट लास्ट वीक ऑफ मार्च आई एम कमिंग टू काठमांडू बुटवल एंड इटहरी फॉर टेकिंग सेमिनार फॉर LIC ऑफ नेपाल। दोस्तों इसके अलावा मैं अपने बारे में आपको बताऊं, मैंने अपना कैरियर ध्यान से सुनिएगा, मैंने अपना कैरियर एज अ ट्रेनर स्टार्ट नहीं किया था, मैंने अपना कैरियर एज अ सेल्समैन ऑफ एंटीवायरस, यू ऑल नो कंप्यूटर के लिए एंटीवायरस होता है, तो मैंने अपना कैरियर एंटीवायरस सेल्समैन के रूप में स्टार्ट किया था। लेकिन उस टाइम से मुझे ये महसूस हुआ कि सेल्स में बहुत अपॉर्चुनिटी होती है। मेरी बात समझ में आ रही है, मेरी वॉइस आप लोगों तक पहुंच पा रही है? प्लीज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मेरी वॉइस, मेरी वीडियो, मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है तो प्लीज चैट में यस लिखेंगे, यस फास्ट चैट बॉक्स में यस लिखेंगे। ओके या डन, थैंक यू। सो दोस्तों जब मैं एक सेल्समैन के रूप में काम स्टार्ट किया तो मुझे ऐसा एहसास हुआ कि सेल्स से बड़ी अपॉर्चुनिटी इस दुनिया में कहीं भी नहीं है। अगर आपको पैसा कमाना है, अगर आपको इनकम करना है, अगर आपको अपने लाइफ में, वो कहते हैं ना नेपाली में, धेरे अगाड़ी बढ़ने को सोच, तो उसके लिए आपको सेल्समैन बनना जरूरी है। दोस्तों मैंने अपने जीवन में पहली नौकरी एज अ सेल्समैन किया और उसके बाद मुझे एहसास हो गया कि सेल्स से बढ़िया जॉब दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। यहाँ कोई बैरियर नहीं है, यहाँ कोई लिमिटेशन नहीं है, यहाँ ना तो कोई बॉस है ना तो कोई आपको रोकने वाला है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ सेल्स, यहाँ पे आपके लिए कोई भी लिमिटेशन नहीं होती है। दोस्तों मैंने अपना काम एज अ सेल्समैन स्टार्ट किया और उसके बाद अपने काम में धीरे धीरे मैं LIC को समझने लगा। इनफैक्ट मेरी जो स्पेशलिटीज है वो ये है कि मैं भारत में, इंडिया में, इंडिया और नेपाल ये दो कंट्री को मैं बहुत पसंद करता हूँ क्योंकि मैं नेपाल को अपना सेकेंड होम की तरह कंसिडर करता हूँ। मुझे बहुत पसंद है नेपाल में आना, नेपाल में, इनफैक्ट मैं आपको सच बताऊं, माई फेवरेट फूड इज नेपाली फूड, दैट इज कॉल्ड थकाली खाना। यू वॉन्ट बिलीव, मैं जब भी नेपाल आता हूँ मैं कहीं ना कहीं भंसा, वो बोलते हैं ना भंसा घर, उधर जाके थकाली खाना इंजॉय करूंगा, एदर इट इज पोखरा, काठमांडू, किधर भी। दोस्तों मेरी सबसे अच्छी बात यह है कि म नेपाली पनि बोल्न सक्छु, तर मेरो नेपाली चाहिँ धेरै राम्रो हैन, त्यस कारणले म नेपाली हैन हिन्दीमा चाहिँ सेसन कन्टिन्यू गर्छु। तपाईँलाई हिन्दी बुझ्नुहुन्छ? सबैजनालाई बुझ्नुहुन्छ? प्लिज हिंदी सबैजनालाई। थैंक यू, वेरी गुड, वेरी नाइस। दोस्तों आज मैं बात करूंगा हिंदी में क्योंकि नेपाली में बात करने में कभी कभी ये प्रॉब्लम होती है, जो मैं समझाना चाहता हूँ वो आप समझ नहीं पाओगे और जो आप समझोगे एक्चुअली मैं वो बताना नहीं चाहता हूँ। तो दोस्तों आज मैं बात करूंगा, बहुत इंपॉर्टेंट, आज की ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आप लोगों की लाइफ को चेंज करेगी। सी सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ, मेरी लाइफ कैसे चेंज हुई। दोस्तों मैं काफी सारी बुक्स स्टडी करता हूँ, एवरीडे मैं कुछ ना कुछ रीडिंग करता हूँ और आज से 12 साल पहले मैंने एक बुक स्टडी की, उस बुक ने मेरे लाइफ को चेंज कर दिया। वो बुक जो थी, उस बुक के बारे में बताना जरूरी है, उस बुक के बारे में आपको समझाना जरूरी है। एक बुक ग्लासेस चॉइस थ्योरी नाम की एक बुक मैंने स्टडी की। ये जो बुक है, ये बुक वर्ल्ड के नंबर वन साइकोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर विलियम ग्लासर की एक अपनी थ्योरी के ऊपर इस बुक को उन्होंने बेस किया था, जिसका नाम रखा था ग्लासर्स चॉइस थ्योरी। चॉइस थ्योरी का मतलब क्या होता है आपको समझाना चाहूंगा। चॉइस थ्योरी का मतलब होता है कि इंसान क्या सोचता है, क्या होता है, उसकी एक्सपेक्टेशन कितनी ज्यादा होती है और उसको एक्चुअली कितना मिलता है। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर चॉइस थ्योरी। जब ये बुक मैंने पढ़ी, उस बुक में अलग 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 चॉइस थ्योरी के ऊपर आर्टिकल्स थे एंड फर्स्ट टू आर्टिकल्स हैज चेंज्ड माय लाइफ बिकॉज द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दैट बुक इज कि उसके दो आर्टिकल, दो सबसे इंपॉर्टेंट बातें, दो सबसे बहुत ही खूबसूरत बातें उस बुक में मैंने पढ़ी थी और वो जो बातें थी वो बातें आपके सामने बताना चाहता हूं। डॉक्टर विलियम ग्लासर के बारे में बता दूं, ये USA से बिलोंग करते थे, इनकी डेथ हो गई 1925 को बर्थ हुआ और 2013 में इनकी डेथ हो गई, 2013 में इनका देहांत हुआ
और उसके पहले इन्होंने एक चॉइस थ्योरी नाम की बुक लिखी। उस बुक में उन्होंने इंसान के चॉइस के ऊपर बहुत सारी अलग अलग आर्टिकल्स पब्लिश की। उनकी जो फर्स्ट चॉइस थ्योरी का जो फर्स्ट आर्टिकल था दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं उसी के साथ अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट करता हूं। उन्होंने सबसे पहले अपने चॉइस थ्योरी के बुक में उन्होंने फर्स्ट आर्टिकल जो लिखा वो आर्टिकल था दोस्तों, ग्लासर्स चॉइस थ्योरी आर्टिकल वाज द ओनली पर्सन हुज बिहेवियर वी कैन कंट्रोल इज आवर ओन। आई रिपीट, The only person whose behavior we can control is our own. अगर हम किसी के व्यवहार को नियंत्रित कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, तो सिर्फ अपने बिहेवियर को। इस दुनिया में कोई भी दूसरा आदमी किसी दूसरे आदमी के बिहेवियर को कंट्रोल नहीं कर सकता। आप क्या करोगे ये आपका बॉस डिसाइड नहीं कर सकता है, आप क्या करोगे ये आपका सीनियर डिसाइड नहीं कर सकता है। आप पॉलिसी बेचोगे नहीं बेचोगे, घर से बाहर निकलोगे नहीं निकलोगे, लोगों से मिलोगे नहीं मिलोगे, बीमा बताओगे नहीं बताओगे, दिस डिसीजन विल टेक बाय ओनली यू। ये डिसीजन ना तो आपका डीजीएम साहब ले सकते हैं, ना तो आपके आरएम सर ले सकते हैं, ना तो आपके एजेंसी मैनेजर ले सकते हैं, ना तो आपके बिजनेस ऑफिसर ले सकते हैं। नो वन विल टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज एज पर ग्लासर्स चॉइस थ्योरी द ओनली पर्सन हुज बिहेवियर वी कैन कंट्रोल इज आवर ओन। दोस्तों आज मुझे ये मौका मिला, आज मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं आपसे बात करूं। सी, मैं आपके बिहेवियर को कंट्रोल करने वाला नहीं हूं, क्योंकि मुझे मालूम है पिछले 12 सालों से 15 सालों से आप लोग इंश्योरेंस फील्ड में हो। पिछले 15 साल पहले लास्ट 15 इयर्स बैक आपका काम जैसा था आज भी आज इट इज वैसा ही है, लेकिन पिछले 15 इयर्स में बहुत सारी ट्रेनिंग ली, बहुत सारे लोगों का गाइडेंस से काम किया, बहुत सारे लोगों ने आपको सुपरविजन किया, बहुत सारे लोगों ने आपको सजेस्ट किया, बट आज भी आप अपने आप को नहीं बदल पा रहे हो। क्यों? क्योंकि ये कहते हैं ना, ये ऑलरेडी इंसान की एक नियत, एक कैरेक्टर है कि वो कभी भी किसी की बातों को फॉलो तो करता है पर उसकी बातों से अपने बिहेवियर को कंट्रोल करने नहीं देता है। मैं भी आज आपके बिहेवियर को कंट्रोल करने वाला नहीं, मैं क्या करने वाला हूं, ग्लासर्स चॉइस थ्योरी का सेकंड जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो पार्ट है द ओनली पर्सन हुज बिहेवियर वी कैन कंट्रोल इज आवर ओन एंड द सेकंड पार्ट इज ऑल वी कैन गिव अनदर पर्सन इज इंफॉर्मेशन। आई रिपीट, अगर हम किसी को भी कुछ दे सकते हैं दोस्तों, दैट इज ओनली प्योर इंफॉर्मेशन, नॉलेजेबल इंफॉर्मेशन। आज मैं आपको ना तो मोटिवेट करूंगा, ना तो ऐसा बोलूंगा कि आप काठमांडू हिला दो, आप चितवन में आग लगा दो, आप बुटवाल में, आप भैरवा में, आप बीरगंज में, आप विराटनगर में तूफान मचा दो, नथिंग, नो, कुछ भी नहीं। आज मैं क्या बोलने वाला दोस्तों, आज मैं सिर्फ आपको इंफॉर्मेशन दूंगा, करेक्ट इंफॉर्मेशन। सी, मेरा एक्सपीरियंस 15 इयर्स का है। I have trained more than 3 lakh insurance advisor in India, only in India. Apart of India, I have trained more than 1 lakh insurance advisor in Nepal as well as in Bangladesh also. But the thing is, ki aaj main aapko information dunga. Kaise aap is dhande mein aage badhoge? I repeat, insurance ka business kaise insaan aage badh sakta hai? Insurance ke business mein kaise wo successful ho sakta hai? Agar hum kisi ko kuch de sakte hain, to sirf aur sirf jankari de sakte hain. Aaj main aapko sirf information dunga. I am not here to motivate you. मैं motivation के लिए नहीं आऊं, because I know दुनिया में सबसे बड़ा motivator इंसान वो खुद होता है जिसको कुछ करना होता है। जब इंसान के पास पैसा होना, जब इंसान के पास power हो, तो वो खुद motivator होता है। आज आपके पास पैसे होंगे तो you become the motivator। आज आपके पास power होगा, you will become the motivator। But आज मैं आपको क्या करने वाला हूं दोस्तों, आज मैं आपको information share करने वाला हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि इंसान की जिंदगी कैसे बदलती है। मैं देख पा रहा हूं काफी सारे मोर देन 440 पार्टिसिपेंट्स हैं यहाँ पे, और मैं एक चीज नोटिस कर पा रहा हूं कि आउट ऑफ 440 काफी सारे ऐसे लोग हैं जिनकी जिंदगी में सफलता तो सबको चाहिए बट मिल नहीं पा रही है। सफलता तो सबके चाहिए बट मिल नहीं पा रही। सफलता कैसे मिलती है, मेरी लाइफ कैसे चेंज हुई, मैं आपको सबसे पहले बताता हूं। एज अ नॉमिनल सेल्समैन, एज अ सेल्समैन ऑफ एंटीवायरस, मेरी लाइफ कैसे चेंज हुई। मैंने एक बार अपने जीवन में एक आर्टिकल पढ़ा, उस आर्टिकल में लिखा था कि दुनिया की सबसे बड़ी, ध्यान से सुनिएगा, दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इज फ्रॉम यूएसए और उसका नाम है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। उस आर्टिकल में लिखा था कि दुनिया की सबसे बड़ी जो यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी का नाम है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी फ्रॉम यूएसए, और उस आर्टिकल में लिखा था कि अगर सफलता चाहिए तो हार्वर्ड की एजुकेशन ले लो, हार्वर्ड की डिग्री ले लो।
लेकिन उसी आर्टिकल के नीचे लिखा था कि दैट इज नॉट गारंटेड, 100% गारंटी नहीं है। अगर आपके पास हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री हो तो ये गारंटी नहीं है कि आप सफल होगे। अगर सफलता चाहिए दोस्तों अपने जीवन में तो आपको हार्ड वर्क यूनिवर्सिटी की डिग्री चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, रिमेंबर ऑलवेज वन थिंग, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं चाहिए। अगर सफलता चाहिए तो हार्ड वर्क स्कूल की डिग्री से भी सफलता मिलती है। इस दुनिया में सफलता उसी को मिलती है जो हार्डवर्क स्कूल की डिग्री लेता है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं चाहिए। अगर आप बहुत पढ़े लिखे हो ना, दैट इज नॉट क्लियरली कि आप पढ़े लिखे हो, एजुकेटेड हो, बहुत बड़ी बड़ी डिग्री है तो आप एजेंट बन के भी आप सफल हो जाओ। किसी भी धंधे में सफलता का सबसे पहला थंब रूल है, दैट इज कॉल्ड यू हैव टू बी हार्डवर्क। आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, बातें करनी पड़ेगी। और सबसे पहले याद रखो, इस धंधे का सबसे पहला रूल है, इस धंधे का रूल नंबर वन है, यू हैव टू बिकम सेमलेस। आई रिपीट, यू हैव टू बिकम सेमलेस। आपको शर्म को छोड़ना पड़ेगा, शर्माना भूलना पड़ेगा। आपको लाज आता है, लज्जा होता है, अंदर से गिल्ट होता है। कितने लोगों को मैं बीमा के बारे में बोलूं, यो मानचे मेरो आफनो हो, मेरो रिलेटिव हो, मेरो मेरो दाई हो, मेरो दीदी हो, मेरो मेरो इस्तो हो, मेरो उस्तो हो, मेरो रिलेटिव हो, कसरी मो बीमा को लागी बन्छु फेरी बारी कति पल्टा। याद रखो, इस धंधे में सफल होने का रूल नंबर वन, यू हैव टू बिकम सेमलेस। अगर इंश्योरेंस के प्रोफेशन में सफलता चाहिए तो आपको शर्म को छोड़ना पड़ेगा। इस धंधे का रूल है, जो आदमी शर्माता है उसको पैसा नहीं मिलता है। इंश्योरेंस बेचने में सबसे पहले शर्म को छोड़ना पड़ता है। मेरी बात समझ में आ रही है तो चैट में लिखिए यस फास्ट। भूल जाओ, सी कितनी बड़ी डिग्री आपके पास है, कितना एजुकेशन आपके पास है, कितना बड़ा आप ऑफिसर हो, सब भूल जाओ। अगर इंश्योरेंस एजेंसी है ना तो आपको सेमलेस बनना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा। बार बार, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, 10 बार मिलना पड़ेगा। रोज सुबह उठ के लोगों को फोन करना पड़ेगा। जब तक लोग आपका मोबाइल नंबर ब्लॉक ना कर दे तब तक फोन करो। अगर मोबाइल नंबर ब्लॉक हो गया ना, घर के आगे उसके घर के सामने जाके खड़े हो जाओ। रोज मिलो, जब भी मिलो बीमे की बात करो। उसके लाइफ में क्या चल रहा है उससे आपको कोई फर्क नहीं होना चाहिए। आपको बीमा क्यों नहीं दे रहा है इससे आपको फर्क होना चाहिए। दोस्तों हमेशा याद रखिए, हार्डवर्ड यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं, आपको हार्डवर्क यूनिवर्सिटी की डिग्री चाहिए। और दोस्तों एक बात याद रखो, इस दुनिया में ना सफलता उन्हीं को मिलती है जो सफलता के बारे में फोकस्ड होते हैं, जो सफलता को सोचते हैं। सबसे पहले मैं हमेशा ये जानता हूं कि सफलता उन्हीं को मिलती है जो, देखिए ध्यान से आपके प्रेजेंटेशन में, सोच लेते हैं सफलता को, उसको फील करते हैं। सोचने से 10% लक्ष्य आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। रिपीट, अगर आपने किसी चीज को सोच लिया तो 10% वो आपकी तरफ खुद ब खुद खींचा चलाता है। बाकी का 90% आपकी मेहनत और ज्ञान से मिल जाता है। 10% अचीवमेंट के लिए आपको सोचना पड़ेगा। यू हैव टू फोकस, फील करो उसको। फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा सा, एक छोटी सी बात कहूंगा, डोंट टेक इट सीरियसली बट वेरी प्रैक्टिकल चीज बोलूंगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक लड़के की और एक लड़की की शादी हुई, दोनों बहुत खुश है अपने लाइफ में, बहुत खुश है, दोनों की शादी हुई है और लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। जिस दिन उसका हस्बैंड, ये बोल देना दोस्तों, जिस दिन उसका हस्बैंड अपनी वाइफ को ये बोल दे कि मुझे पिता बनने का मन करता है, मुझे आई वॉन्ट टू बिकम फादर, आई रिपीट, जिस दिन उसका उसका हस्बैंड ये बोल दे कि मुझे फादर बनने का मन करता है, मैं लिख के दे सकता हूं उसके 2 महीने के अंदर उसकी वाइफ को उल्टी शुरू हो जाती है। उसकी वाइफ को फील होने लगता है कि नाउ आई एम बिकम प्रेग्नेंट। क्यों? क्योंकि सोचने से 10% वो चीज आपकी तरफ हो जाता है। जब तक सोचोगे नहीं तब तक होगा नहीं, सोचना पड़ेगा। अगर आपको सफलता चाहिए तो इसके बारे में सोचो। सक्सेस और अनसक्सेस, इसके बीच का डिफरेंस ये है, सक्सेस उनको मिलती है जो सक्सेस को सोचते हैं और सफलता उनको नहीं मिलती है जो हमेशा नेगेटिव थॉट प्रोसेस के साथ चलते हैं। 90% तो मेहनत से मिलेगा, 90% तो नॉलेज से मिलेगा। मैं इंडिया में ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करता हूँ, नेपाल में भी करता हूँ, मैंने एक चीज देखा है। सी, मुझे नेपाल बहुत पसंद है, मुझे नेपाल के लोगों का कल्चर बहुत पसंद है, इनका प्यार, अपनापन और ये एक दूसरे के साथ जो रेसिप्रोकेशन और जो एक एक बोलते ना एक रिलेशनशिप बिल्डिंग, बहुत बढ़िया है।
बट मुझे नेपाल के बारे में एक चीज मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं नेपाल के लोगों को उसको अपग्रेड करना है, दैट इज नॉलेज. सी, एक डिग्री के लिए नेपाल के लोग ऑस्ट्रेलिया जाते हैं डॉक्टर बनने के लिए, यूएसए जाते हैं, जॉब करने के लिए कतार जाते हैं. आपको मालूम है हमारा एयरपोर्ट काठमांडू त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, उसमें ना इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए जितने लोग क्यू में रहते हैं लाइन में, उतना डोमेस्टिक के लिए नहीं रहते. क्यों? इसका एक कारण है, नेपाल के लोगों को लगता है कमाना है तो कतार जाओ, कमाना है तो अबू धाबी जाओ, कमाना है तो ऑस्ट्रेलिया जाओ, कमाना है तो श्रीलंका जाओ, सॉरी कमाना है तो आप इधर इधर अपना गल्फ कंट्री जाओ. लेकिन एक बात याद रखो, क्या इंश्योरेंस एजेंसी में लोग नहीं कमा सकते? कमा सकते हैं. नेपाल की पॉपुलेशन 3 करोड़ है, 3 करोड़, 3 करोड़, यानी कि 3 करोड़ लोग आपके इंतजार में है. आपको मिलना पड़ेगा लोगों से, आपको लोगों से बात करनी पड़ेगी. दोस्तों ध्यान से देखिए, अगले प्रेजेंटेशन में बात करता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन ध्यान से देखो, डिफरेंस बिटवीन, दो तरह के इंश्योरेंस एडवाइजर होते हैं इंडिया में भी और नेपाल में भी, दो तरह के. पहला जो एडवाइजर होता है वो होता है ऑर्डिनरी, और दूसरा जो एडवाइजर होता है वो होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. जैसा कि ऑलरेडी सेशन शुरू होने से पहले हमारे डीजीएम साहब सोन सर ने बताया था कि ऑर्डिनरी अगर आप एक्टिविटीज करते हो तो ऑर्डिनरी रिजल्ट मिलता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटीज करते हो तो यू गेट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स. बट मेरा पॉइंट क्या है, मेरा पॉइंट है देयर आर टू टाइप्स ऑफ एजेंट्स आर वर्किंग फॉर प्रभु लाइफ इन नेपाल. फर्स्ट वन इज ऑर्डिनरी, सेकेंड वन इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वॉट आर द डिफरेंसेज बिटवीन ऑर्डिनरी एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? The only difference between both of these, that is only X factor. I repeat, ordinary agent or extraordinary agent. इन दोनों में सिर्फ X factor है. प्रभु लाइफ में पूरे नेपाल में 2 लाख इंश्योरेंस एडवाइजर है, 2 लाख, 2 लाख्स, और 2 लाख एजेंट, जिसमें 2 लाख में से 95% एजेंट्स आर ऑर्डिनरी एजेंट्स. ऑर्डिनरी एजेंसी लिया, काम करूं नहीं करूं तू कौन होता है बताने वाला? बॉस का फोन आ रहा है, एक भी बीमा नहीं बेचा, मैं नहीं बेचूंगा, मेरी मर्जी. और दूसरा होता ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी के अलावा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, 5%, ओनली 5%, दे आर पावरफुल एजेंट्स. जिस दिन वो एजेंसी लेते हैं उसी दिन वो डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे कुछ करना है, मुझे एजेंसी को वेस्ट नहीं करना है, मुझे एजेंसी को यूटिलाइज करना है. आई रिपीट, याद रखेगा, जिस दिन आपके दिमाग में ये बात आ गई ना कि वेस्टेज हो रहा है और यूटिलाइजेशन हो सकता था, उस दिन आपकी लाइफ बदल जाती है. इंश्योरेंस एजेंसी सबको नहीं मिलती है. इंश्योरेंस एजेंसी लेने के लिए सबसे पावरफुल लोग चाहिए होते हैं. पावरफुल क्यों? क्योंकि इसके लिए कि हर आदमी के पास ये कैपेसिटी नहीं होता है कि रोज सुबह अपने घर से निकल के दूसरे के घर पे जाके बीमा मांगे. ये क्वालिटी अलग होती है, ये माइंडसेट ही अलग होता है. लेकिन इतना माइंडसेट होने के बावजूद अगर बिजनेस नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं क्राइसिस है, कहीं ना कहीं इश्यू है, कहीं ना कहीं लूफॉल है. दोस्तों एक्स फैक्टर ध्यान से सुनिएगा. आप सभी को मैं इस प्रेजेंटेशन में कंक्लूड करके इस प्रेजेंटेशन में आप सबके सामने में बताना चाहता हूं, जो भी हमारे दीदी दाई दीदी जो भी है इंश्योरेंस एजेंट्स, मैं सबको एक बात कहना चाहता हूं, एक्स फैक्टर होना जरूरी है. एक्स फैक्टर का मतलब क्या होता है देखो ध्यान से. ऑर्डिनरी जो एजेंट्स होते हैं ना वो कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करते हैं. आई रिपीट, ऑर्डिनरी एजेंट कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करते हैं, कुछ ना कुछ. वो जब भी कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करने का मतलब है व्हाट एक्चुअली दे आर प्रोड्यूसिंग, ऑर्डिनरी एजेंट्स दे आर प्रोड्यूसिंग. वो क्या लाते हैं? जब भी अपने ब्रांच में जाते हैं, जब भी अपने सीनियर को मिलते हैं, जब भी अपने रीजनल हेड को मिलते हैं, तो वो कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करते हैं. क्या प्रोड्यूस करते हैं देखो स्क्रीन पे, एक्सक्यूजेस, बहाना. जब भी उनको बोलो दाई पॉलिसी चेके खबर हो, हालचाल चेके हो, सर अली कती प्रॉब्लम हो, कस्टमर गांव गाको के, कस्टमर को घर में उसको बिरामी भाको छ, कस्टमर को इस तो प्रॉब्लम हो, ऑलवेज दे प्रोड्यूसेस एक्सक्यूजेस. ऑर्डिनरी एजेंट्स के पास एक्सक्यूज ऑलवेज होता है, बहाना हमेशा होता है. जब भी कोई बोलता है ना मेरा काम नहीं हो रहा है, क्योंकि वो बहाना कर रहा है, उसके पास लिस्ट होती है, लोगों की नहीं बहाने की लिस्ट होती है, एक्सक्यूजेस. बिकॉज एक्सक्यूजेस जिसके पास होता है उसके पास सेकेंड पॉइंट होता है, दैट इज कॉल्ड रीजन. ऑर्डिनरी एजेंट्स के बैग में ना ये दोनों चीजें होती है, ऑलवेज दे कीपिंग एक्सक्यूजेस इन देयर बैग एंड रीजंस ऑन देयर माउथ. ऑलवेज एक्सक्यूज बहाना, रीजन कारण. आपके रीजनल मैनेजर पूछेंगे सर अस्ति तपाईले भन्नु भएको थे 2 लाख प्रीमियम को लागि, कहाँ तपाईको प्रीमियम? सर यस्तो भयो नि मेरो, के भन्नु सर,
ब्याड लक भयो सर, अस्ति मैले कस्टमरलाई फोन गरेकी थिएँ, कस्टमरले भने हिजो आइजाऊ, पर्सि आइजाऊ, बिहान आइजाऊ, म उसको घरमा गएँ, उसको घरमा उसको बिरामी भए। अब सर यो पोलिसी कसरी, त्यो टाइममा कसरी पोलिसीको विषयमा सोध्नु, कसरी सोध्नु, रिजन एक्सक्यूजेस। बट दोस्तों जो ऑर्डिनरी होते हैं उनके पास रीजन होता है, एक्सक्यूज होता है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं ना उनके पास ऑलवेज, याद रखो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एजेंट हमेशा नो एक्सक्यूजेस बेसिस पे चलते हैं और ऑलवेज दे प्रोड्यूसेस रिजल्ट्स, आई रिपीट रिजल्ट, उनके पास बहाना नहीं होता है, उनके पास रिजल्ट होता है। जब भी ब्रांच में आते हैं ना रिजल्ट के साथ आते हैं, रीजंस के साथ नहीं आते। याद रखो सफल और असफल के बीच में एक मीन महीन सी लाइन होती है, द सिंपल लाइन बिटवीन द सक्सेसफुल एंड अनसक्सेसफुल एजेंट्स, एंड दैट इज रीजन एंड रिजल्ट्स। अनसक्सेसफुल एजेंट रीजंस पे फोकस करते हैं और एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेसफुल एजेंट्स ऑलवेज फोकसिंग ऑन रिजल्ट्स। कितनी भी सिचुएशन क्रिटिकल क्यों ना हो, कितना भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, दे ऑलवेज फोकसिंग ऑन रिजल्ट्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, यस और नो? प्लीज, मेरी बातें समझ में आ रही है सभी को? मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे प्रभु लाइफ, प्लीज अगर आप तक मेरी बात पहुंच रही है तो प्लीज चैट में मुझे कुछ कमांड कीजिए सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि मेरी बात सभी लोगों तक पहुंच रही है। ओके, या डन, थैंक यू। काफी सारे लोगों का, काफी सारे हमारे दोस्तों का मैसेज मिल रहा है, यस थैंक यू थैंक यू। सो दोस्तों याद रखिए, सॉरी, द इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि आपको क्या प्रोड्यूस करना है, रीजन प्रोड्यूस करना है या रिजल्ट प्रोड्यूस करना है। अगर रीजन पे फोकस करोगे रिजल्ट नहीं आएगी, और रिजल्ट पे फोकस करोगे रीजन होता ही नहीं। अगर मुझे किसी चीज को हासिल करना है तो मुझे उसके ऊपर फोकस करना है, उसके बीच में आने वाले प्रॉब्लम्स के ऊपर फोकस नहीं करना। याद रखो प्रॉब्लम्स लाइफ में है, लाइफ इज अ प्रॉब्लम एंड लाइफ में प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं होता है। आज एक प्रॉब्लम शॉर्ट आउट होगा ना, कल वापस चालू हो जाएगा, परसों प्रॉब्लम खत्म होगा ना उसके बाद वापस चालू हो जाएगा। तो प्रॉब्लम पे फोकस मत करो, रिजल्ट पे फोकस करो, पॉसिबिलिटीज पे फोकस करो। याद रखो ऑर्डिनरी एजेंट्स ऑलवेज फोकसिंग ऑन प्रॉब्लम्स रीजंस एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एजेंट्स ऑलवेज फोकसिंग ऑन पॉसिबिलिटीज एंड रिजल्ट्स। दोस्तों आज मैं बात करूंगा काफी सारे पॉइंट्स के ऊपर, बट सबसे पहले आपको बता दूं, ध्यान से देखिएगा, रिमेंबर वन इंपॉर्टेंट थिंग एंड दैट इज कि अगर बहाना बनाने वाले लोगों को सिर्फ उतना मिलता है जितना बहादुर लोग छोड़ के चले जाते हैं। आपको बहादुर बनना है ना तो आपको बहाना नहीं बनाना है, और अगर आपको बहाना बनाना है तो आप बहादुर नहीं हो सकते। बहादुर का मतलब है टॉप ऑफ द ब्रांच, टॉप ऑफ द रीजन, टॉप ऑफ द जोन, टॉप ऑफ द नेशन। अगर आपको प्रभु लाइफ में अपने ब्रांच का नंबर वन बनना है तो बहाना नहीं। अगर आपको प्रभु लाइफ में अपने रीजन का नंबर वन एजेंट बनना है तो बहाना नहीं। कभी भी बहाने के साथ मत निकलो, बहाने के साथ ब्रांच में मत जाओ। याद रखो बहादुर लोग उतना ही छोड़ देते हैं जितना वो बहाने बनाने वालों को मिलता है। बस आप बहाना बनाते हो ना, आपको कितना मिलता है, पूरे साल का 6 लाख कमीशन, पूरे साल का 5 लाख कमीशन। लेकिन कोई ऐसा भी है नेपाल में जो साल का 50 लाख कमीशन अर्न कर रहा है, साल का 5 करोड़ कमीशन अर्न कर रहा है? क्यों? क्योंकि दे आर स्ट्रॉन्ग पर्सन, दे आर नॉट एक्सक्यूजिंग पर्सन। बहादुर, बहादुर आपको देखो, बहादुर वर्ड जो है ना ये नेपाल में बहुत पॉपुलर है, नेपाल के लोग बहादुर, ये जो वर्ड है ना ये आजकल ना इंडिया में, मैं मुंबई रहता हूँ, मुंबई में ना कॉमन चीज है। आप डोंट टेक इट सीरियसली बट सच्चाई है, मुंबई में आज भी बिल्डिंग्स, अपार्टमेंट्स, बड़े बड़े फ्लैट्स, प्रॉपर्टीज में काफी सारे वॉचमैन होते हैं, दे आर एक्सक्लूसिवली दे आर फ्रॉम उत्तराखंड और सपोज दे आर फ्रॉम नेपाल। तो वो जो नेपाल के या उत्तराखंड के लोग होते हैं ना जो वॉचमैन के जॉब में होते हैं, तो उनको आज भी मुंबई में बहादुर बोला जाता है। क्यों? उनको मालूम है इसको रखेंगे ना तो ये बहादुर है, स्ट्रांग है। दोस्तों याद रखिए स्ट्रांग लोगों को उतना ही मिलता है, जो सॉरी बहाने बनाने वालों को उतना मिलता है जितना स्ट्रांग लोग छोड़ के जाते हैं। पॉइंट याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोलने वाला हूं, और वो पॉइंट है इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल, याद रखो अगर आप सफल बनना चाहते हो तो आज मेरी बात याद रखिएगा, अगर आप सफल बनना चाहते हैं, यस और नो, बनना चाहते हैं, यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल, टेल मी ऑनेस्टली, यस और नो, सक्सेसफुल इन इंश्योरेंस एजेंसी, सक्सेसफुल इन योर पर्सनल लाइफ, सक्सेसफुल इन योर रिलेटिव लाइफ, वॉन्ट टू बिकम सक्सेसफुल, यस और नो?
यस दोस्तों, इससे पहले मैं आपको बताऊं, नेपाल मुझे बहुत पसंद है, एक बार फिर से बोलता हूं क्यों, इसका कारण है, नेपाल मुझे दो कारण से सबसे ज्यादा पसंद है। नेपाल में ना मेरी सबसे फेवरेट क्या है मालूम है, नेपाल की मेरी सबसे फेवरेट है, नेपाल में ना दो तरह का खुकरी मिलता है, दो तरह का खुकरी, आई रिपीट खुकरी, एक डालने वाला और एक डालने वाला, यानी कि एक डालोगे तो बॉडी गर्म होता है और एक डालोगे तो बॉडी खत्म होता है। दोस्तों मैं जब भी नेपाल जाता हूं, आई ऑलवेज एंजॉय, लव टू एंजॉय खुकरी, सेकेंड वन, फर्स्ट वन नहीं, सेकेंड वन। एनीवे चलिए बात करते हैं, और ये खुकरी आपको समझ में आएगा खुकरी क्या है, कहते ना शाम हुआ तो नेपाल में लोगों का चॉइस हो जाता है खुकरी। एनीवे इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल, ध्यान से सुनिएगा, इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल, अगर सफलता चाहिए तो आज मैं आपको बता देता हूं, दोबारा मुलाकात हो या ना हो, कभी दोबारा मैं नेपाल आऊं, आपसे मुलाकात हो, फेस टू फेस हो, कभी फिजिकल मीटिंग में मुलाकात हो या ना हो, बट सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, जिंदगी में अगर सफलता चाहिए दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट एक बात याद रखना है, और वो बात है, देखिए आपके स्क्रीन के ऊपर, और वो सेंटेंस है जिसको मैं हमेशा फॉलो करता हूं, मे बी आपको हर्ट करे, आपको तकलीफ दे, आपको ऐसा लगे कि मैंने क्या ऐसा बोल दिया है, आपको तकलीफ हो, आप गुस्सा हो मुझसे, कभी ना कभी ऐसा भी होता है कि कभी कभी लोग मीटिंग छोड़ देते, बोलते नहीं नहीं सर मुझे मीटिंग अटेंड नहीं करना, आपने ऐसे कैसे बोल दिया, बट द प्रैक्टिकल थिंग इज इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल, याद रखो, इफ यू वांट टू बिकम सक्सेसफुल, या तो डिसाइड करना होगा या तो सुसाइड करना होगा, देयर आर टू ऑप्शंस ऑन, डिसाइड करना होगा कि मुझे करना क्या है, अगर डिसीजन नहीं ले पाया ना तो आपको एक ना एक दिन आपको सुसाइड करना पड़ेगा। सुसाइड का मतलब ये नहीं है कि जाओ और बागमती में जाके कूदो, सुसाइड का मतलब ये नहीं है कि वापस उधर एवरेस्ट पे जाओ, मकालू पे जाओ, उधर माचा पुछड़े पे जाओ, उधर से जंप मारो। सुसाइड का मतलब क्या मालूम है, आज आपकी एज है 30-35, आज आपकी एज है 40-45, अगर आज डिसाइड नहीं किया कि मुझे अपने लाइफ में क्या अचीव करना है, मुझे इंश्योरेंस एजेंसी में किस लेवल को अचीव करना है, तो एक दिन ऐसा होगा जब आपकी एज होगी 60-65, तब तो बॉडी भी वर्क नहीं करेगा, हार्ट वर्क नहीं करेगा, आई वर्क नहीं करेगा, आपका पूरा फिजिकल स्ट्रेस में रहोगे। एज ग्रुप वेस्ट किया, और दैट विल द, दैट इज द मूवमेंट ऑफ सुसाइड। वी प्रभु लाइफ ऑलवेज वांट्स ईच एंड एवरी वन ऑफ यू टू मोर स्ट्रॉन्गर। डिसाइड करो, मैं हमेशा बोलता हूं इस दुनिया में सफलता उन्हीं को मिलती है जो इंसान डिसाइड करता है। डिसीजन ना लेने की वजह से लोगों के अंदर गलतियां रह जाती है। आप गलत नहीं हो दोस्तों, आपका धंधा गलत नहीं है, आपका इंश्योरेंस एजेंसी गलत नहीं है, आपका प्लान गलत नहीं है, आपकी पॉलिसी गलत नहीं है, आपका डिसीजन गलत है। डिसीजन लेना पड़ेगा, मुझे निकलना है तो कब निकलना है, घर आना है तो कब आना है। जिस दिन एक इंश्योरेंस एजेंट सुबह 6 बजे अपने घर से निकल जाए, जिस दिन एक इंश्योरेंस एजेंट दिन भर अपनी वाइफ को भूल जाए, अपने बच्चे को भूल जाए, और उसके बाद रात को 10 बजे अपने घर पे आ और ये कहे कि आज का दिन मेरा बेस्ट था, इसका मतलब उसने उस दिन से डिसाइड कर लिया कि उसके जीवन में कैसा चलना चाहिए। डिसीजन, लाइफ तभी बदलती है जब आप डिसाइड करते हैं। विदाउट डिसाइड लाइफ कभी चेंज नहीं हो सकती है, डिसीजन के बिना लाइफ कभी नहीं बदल सकता है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, एक ही सवाल, व्हाई यू केम हियर टुडे, आज ये मीटिंग ऑनलाइन मीटिंग, आपको आपके रीजनल हेड, आपके ब्रांच हेड सभी लोगों ने मैसेज भेजा, जून का लिंक शेयर किया, वाइबर पे लिंक शेयर किया, स्कैनर से शेयर किया, और आपको बताया कि ऑन 3rd of March at 3 PM वी हैव अ ऑनलाइन सेशन विद इंटरनेशनल स्पीकर मिस्टर विजय कुमार झा। बट आप क्यों आए इस मीटिंग में, क्यों, व्हाई यू केम हियर टुडे, आज आपको काम रहा होगा, दोपहर को ना मैं देखता हूँ नेपाल में काफी सारे लोग आफ्टरनून को घर पे रिलैक्स करते अपने फैमिली के साथ, इवनिंग को बेलका, बेलका मतलब शाम को 4-5 बजे के बाद घर से बाहर निकलते, 8 बजे वापस घर पे आते हैं, और उसके बाद रमाइलो पार्टी उन जगह पार्टी दे रहे राम रो। बट आज इस 3 बजे दोपहर को आफ्टरनून को आप क्यों आए इस मीटिंग में, मुझे बताओ, चैट करके बताओ जल्दी से, व्हाई यू केम हियर टुडे, वांट टू बी सक्सेस, करेक्ट, क्यों आते हैं आज इस मीटिंग में, क्यों आए, जब तक आप नहीं बताओगे मुझे चैट पे, मैं इस पॉइंट पे आगे नहीं जाऊंगा, प्लीज मुझे बताओ, मैं आप सबको ओपिनियन देखना चाहता हूं, आई वांट योर ओपिनियन ऑल्सो। ओके वेरी नाइस, नथिंग एसर एस्पायर, नथिंग,
देन गो टू स्लीप. कुछ नया चीज सीखने को मौका है, यही मलाई केही सीख्नु को लागि, लर्न समथिङ न्यू, समथिङ न्यू पॉलिसी के बारे में सीखना, वेरी नाइस. लिसन फ्रॉम यू, ओके, और मलाई केही सीख्नु छ, ओके, थैंक यू, आपसे कुछ सीखना, वांट टू बी मिलियनर, वेरी नाइस, टू प्रूव माई सेल्फ, बिकम सक्सेस, लर्न समथिंग, टू गेट आइडिया, टू बिकम सक्सेस, व्हाट, वांट टू बी विजय सर, एनीवे, थैंक यू. सो दोस्तों, आप लोग, बहुत लोगों ने रिप्लाई दिया है कुछ सीखने के लिए, सफल होने के लिए, मिलियनर होने के लिए. एक ने तो जवाब दिया नथिंग, कुछ नहीं, ऐसे टाइम पास करने को आ गया, आज कुछ काम नहीं था घर पे. एक्चुअली वो जो जिन्होंने रिप्लाई दिया ना, नथिंग, तो उनका मैं आपको, उनको भी रिप्लाई देता हूं, आज कुछ भी काम नहीं था, आज घर पे आराम से बैठे थे, और आज टीवी पे भी कोई अच्छा प्रोग्राम नहीं था, मूवी वूवी भी नहीं था, नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन खत्म हुआ है, और आज का दिन वेस्ट हो रहा था, तो सोचा चलो देखता हूँ, ट्राई करता हूँ, मीटिंग में बैठ जाता हूँ, मोबाइल तो हाथ में ही है, आईफोन ऑन करता हूँ, मीटिंग में जाता हूँ, देखता हूँ. बट दोस्तों, आप किसी भी रीजन से आए हो, आज इस मीटिंग में प्रभु लाइफ ने मुझे हायर किया, मुझे प्रभु लाइफ ने एज अ गेस्ट स्पीकर, मुझे इस प्रभु लाइफ ने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया, तो मैं आपको बताता हूं मैं क्यों यहां पे आया, मेरे आने का रीजन क्या है, व्हाई यू केम हियर टुडे, मेरे आने का रीजन मैं आपको बताता हूं, आपके रीजन को आप समझो, मेरे रीजन को मैं बताता हूं, मेरे आज यहां आने का रीजन क्या है, टू बिकम कॉमन टू क्लासिफाइड. याद रखो, अगर आज भी आपकी एजेंसी कॉमन है, तो आज इस मीटिंग के बाद आपकी एजेंसी को क्लासिफाइड बनाना है. अगर आज आपको लगता है कि मीटिंग कॉमन है, तो क्लासिफाइड काम करना है. दोस्तों, एक होता है कॉमन एजेंसी लेना, उसको एज इट इज कंटिन्यू रखना, साल में 2 बीमा 3 बीमा 4 बीमा 5 बीमा, 3 लाख प्रीमियम, 4 लाख प्रीमियम, और उस 4 लाख प्रीमियम से 1 लाख मंथली कमीशन, यो मेरे कॉमन एजेंसी हो बाबा, मुझे और चाहिए ना मनाए, 1 लाख 2 लाख कमीशन भाई, धेरे भाई, मेरे लाइफ को पार्टी करने को लागि, साथीहरू सँगमा घुम्नको लागि 2 लाख रुपियाँ कमिसन मात्र भए, ल हस, ठिक छ. बट दोस्तों, मेरे आने का कारण है, आज मैं क्यों आया हूं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज भी नेपाल में जितने सारे लोग अपनी एजेंसी को कॉमन बिहेवियर के साथ मेंटेन कर रहे हैं, उनकी एजेंसी क्लासिफाइड होनी चाहिए. एक होता है कॉमन एजेंसी, एक होता है क्लासिफाइड एजेंसी. कॉमन और क्लासिफाइड में क्या डिफरेंस है, इस बात को समझना जरूरी है, ध्यान से सुनिएगा. अगर मेरी ये बात समझ में आ गई ना, तो आज आपकी लाइफ बदल जाएगी. जो भी लोग घर पे बैठे हो, मोबाइल फोन पे इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हो, मैं सभी लोगों से सिंसियर हाथ जोड़े रहा, इस तो हाथ जोड़ रहा, रिक्वेस्ट कर दीजिए सभी जना लाइक, प्लीज काइंडली सिंसियरली मेरी बात को सुनिए. दो तरह के एजेंट होते हैं, कॉमन एंड क्लासिफाइड. व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन कॉमन एंड क्लासिफाइड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. कॉमन एजेंट बोलता है बीमा नहीं है, क्लासिफाइड बोलता है बीमा कहां नहीं है. कॉमन एजेंट बोलता है साल में 10 बीमा बेचूंगा, धेरे ही भयो आवा चाहिए ना मलाई. क्लासिफाइड बोलता है रोज 10 बेचूंगा तभी साला मजा आएगा मेरे को. कॉमन एजेंट बोलता है कि रोज रोज मेरे को मेरा रीजनल मैनेजर फोन करता है, डेली डेली फोन करेगा, डिस्टर्ब कर चाहिए वन चले. क्लासिफाइड बोलता है मुझे इस तो पॉलिसी गर्छू, इतो ठूलो ठूलो प्रीमियम लेर जान्छु, मेरो रीजनल मैनेजर अट्रियो भइहाल्छ, यानी के मैं इसका काम करूंगा कि मेरा आरएम डिस्टर्ब हो जाए, मुझे डिस्टर्ब करता है आरएम को डिस्टर्ब करूंगा. कॉमन एजेंट बोलता है एमडीआरटी नहीं करना है, क्लासिफाइड बोलता है एमडीआरटी के बिना एजेंसी नहीं करना है. कॉमन एजेंट बोलता है कि कंपनी प्रभु लाइफ हमेशा स्कीम निकालती है, ऑलवेज कंपनी स्कीम निकालती है. और क्लासिफाइड बोलता है जितनी भी स्कीम निकालेंगे कंपनी, मैं हर स्कीम को क्वालिफाई करूंगा और मैं अपनी मर्जी से स्कीम फ्लॉट करवाऊंगा कंपनी में. याद रखो, इंश्योरेंस एजेंट उस दिन क्लासिफाइड हो जाता है दोस्तों, जिस दिन वो सामने से अपने सीईओ को फोन करे और सीईओ सर को बोले, सर हजुर सर नमस्ते सर, एउटा कंपटीशन यस्तो खालको निकाल्नु के मलाई त्यो कंपटीशन क्वालिफाई गर्नुको मन छ. कभी एजेंट बोले अपने सीईओ को, सर मुझे ऐसा कंपटीशन निकाल के दो, मुझे उस कंपटीशन को क्वालिफाई करना है. कंपनी हमेशा अपने मुताबिक, अपने हिसाब से कंपटीशन निकालती है. जिस दिन एजेंट के हिसाब से कंपनी कंपटीशन निकालने लगे, स्कीम निकालने लगे, समझ जाओ वो एजेंट क्लासिफाइड हो गया. कॉमन एजेंट ऑलवेज
ऑलवेज नेगेटिव थॉट प्रोसेस के साथ काम करता है. क्लासिफाइड एजेंट ऑलवेज पॉजिटिव थॉट प्रोसेस के साथ काम करता है. कॉमन एजेंट ये सोचता है कि बीमा के लिए पार्टी एग्री करेगा तो घर से निकलूंगा. क्लासिफाइड बोलता है मैं घर से निकलूंगा ना तो पार्टी एग्री हो जाएगा. मेरी बात समझ में आ रही है? यस और नो प्लीज बताइए जल्दी से. कॉमन क्लासिफाइड कॉमन बोलता है सर आज पक्कुने कस्टमर को अपॉइंटमेंट है ना आज घर में छू भोली पर्सी मो हेर छू भोली पर्सी ऑप्शन छ भोली पर्सी मेरे अपॉर्चुनिटी हो के यस्तो मेरो एउटा क्लाइंट अस्ट्रेलिया गएको छ अस्ट्रेलिया वाला फिर्ता आउँछ यहाँ उसलाई कस्टमर लाई मो पॉलिसी सेल गर्छु. दैट इज द कॉमन थिंकिंग. निकलो ना घर से जाओ ना लोगों से मिलो. कोई ना कोई आदमी तो मिलेगा रोड पे मिलेगा पसल में मिलेगा किधर भी जाओ मिलो. मैं तो सीधे बोलता हूँ इंश्योरेंस एजेंट अगर एजेंसी है ना तो सुबह 7 बजे अपने घर को भूल जाओ. मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ दोस्तों याद रखो जिंदगी में ना सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार्डवर्क के साथ सेक्रीफाइस करते हैं. सफलता चाहिए ना सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. भूल जाओ आपकी कोई फैमिली है आपकी कोई वाइफ है आपके कोई बच्चे है भूल जाओ उनको. सुबह 7 बजे से रात को 8 बजे तक अपने फैमिली को भूल जाओ. क्यों? क्योंकि अगर आप अपनी फैमिली को अपने माइंड में रखोगे ना तो एवरी टाइम आपको ये दिमाग बोलेगा कि घर जाना है. कहाँ जाना है? घर जाना है. और एक बार नेपाल में एक एजेंट घर पे आ गया ना तो वापस उसको वापस मार्केट में जाने के लिए बहुत सोचना पड़ता है. क्यों? घर में आए रहा तो बसेरा मासु भात खाए रहा दुई पैक तो आलेरा मस्त मजा आराम ले. निकलो तो सही रात को 10 बजे से पहले घर ही मत आओ. जब तक बीमा ना हो घर आना नहीं है. जब तक पॉलिसी ना सेल हो घर मत आओ बाहर ही रह जाओ. दोस्त के पास सो जाओ रिलेटिव के इधर सो जाओ बोलो सर मैं आज रात हो गया. दोस्तों ध्यान रखो इंडिया में बहुत सारे ऐसे इंश्योरेंस एजेंट हैं जो बैग लेके निकलते हैं दिन भर बीमा नहीं होता रात को किसी रिलेटिव के यहाँ रुक जाते हैं. बोलते हैं आज घर नहीं जा रहा हूँ लेट हो गया डिले हो गया आज मैं आपके यहाँ रुकना चाहता हूँ. उधर ही रुकते हैं और उधर ही रात को उनके साथ डिनर टेबल पे बीमा बेच देते हैं. सुबह मॉर्निंग में बीमा लेके आते हैं. हमारा प्रॉब्लम क्या है? हमको कुछ हो या ना हो हमको घर आना है. भाई मेरे को घर में मेरी वाइफ के साथ बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना है. याद रखो मैं हमेशा बोलता हूं याद रखो इंडिया और नेपाल का एक एग्जांपल दूंगा. नेपाल का एक बहुत ही सिद्ध पुरुष बहुत ही बड़ा भगवान बुद्ध नेपाल में लुम्बिनी में जन्म हुआ. लुम्बिनी राजा थे. राजा फुल फैमिली राजा परिवार राज घराना कोई चीज की प्रॉब्लम नहीं. अचानक से याद आया कि मेरा लाइफ इसके लिए नहीं मेरा लाइफ किसी और चीज के लिए है. अपना पूरा फैमिली को सेक्रीफाइस करके भूल गए और इंडिया आ गए. इंडिया में गया में उनको ज्ञान मिला और भगवान बुद्ध बन गए. एक नॉर्मल सा आदमी एक भगवान बन गया. क्यों? क्योंकि उसने सेक्रीफाइस किया. आज इंडिया की बात करूं तो एग्जाम्पल के रूप में फॉर एग्जाम्पल ओनली हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आप सब लोग जानते हैं. मिसेज है फैमिली है माँ है पापा है सब है. सबको सैक्रिफाइस किया. हार्डवर्क कुछ ना कुछ एनर्जी अंदर से आती है काम करने लगे. मैं सीधे बोलता हूं देखो फैमिली को छोड़ना नहीं है फैमिली को कुछ दिन के लिए भूलना है. जब तक आप सफल नहीं हो जाते हो सोच लो कि मेरी फैमिली मेरे सफलता के लिए सैक्रिफाइस कर रही. मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा ध्यान से देखिएगा. एग्जाम्पल दूंगा आपको आगे समझाऊंगा बहुत सारी बातें. सेक्रीफाइस क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है इंश्योरेंस एजेंसी में वो मैं आपको बताऊंगा. बट अगले प्रेजेंटेशन पे जाते हैं. टू रिजल्ट वन प्रोफेशन. देखो एक इंश्योरेंस एडवाइजर आपकी तरह ऑलवेज इंटेंशन ऑलवेज नेगेटिव थॉट और वही आपकी कंपनी में आपको मालूम है आप ही के घर के बाजू में आप ही के घर के पड़ोस में छेउमा के अच्छे एउटा एजेंट छ उसलाई कुनै प्रॉब्लम छैन कुनै टेन्सन छैन. तपाईँको पोलिसी बिक्री गर्नुमा टेन्सन तपाईँको पोलिसी बेच्नुमा टेन्सन उसलाई चाहिँ कुनै टेन्सन छैन. किन? उसको माइन्ड प्रोसेस चाहिँ अर्को हो. किन? यहाँ हेर्नु फर्स्ट नेगेटिव थॉट प्रोसेस सेकेंड पॉजिटिव थॉट प्रोसेस कॉमन एंड क्लासिफाइड. फर्स्ट वन इज कॉमन एजेंट ऑलवेज इंटेंशन हाउ टू प्रोड्यूस बिजनेस उसको मालूम ही नहीं है. सेकेंड वन इज क्लासिफाइड हाउ टू प्रोड्यूस बिजनेस उसको मालूम है. बिजनेस नहीं हो रहा है तो फोकस बढ़ाना पड़ता है. बिजनेस नहीं हो रहा है तो घर से बाहर जाना पड़ता है. घर में बैठ के धंधा नहीं होता है दोस्तों कभी नहीं हो सकता है. जो लोग बोलते हैं ना कि मेरा बीमा नहीं बिक रहा है
99% गारंटी बोलता हूँ, वो अपने घर पे अपने हॉल रूम में अपने बेडरूम में बैठ के अपने रीजनल मैनेजर को बोलता है सर आज धंधा नहीं। अगर वो फील्ड पे होता ना तो जरूर बोलता सर आज पॉलिसी बेचा, कॉमन एंड क्लासिफाइड। दोस्तों ध्यान से देखिए, अगर आपको सफल होना है ना तो आपको एक बात याद रखनी है, सोच बड़ा करना पड़ेगा और पहुंच बड़ा करना पड़ेगा। सोच पनी ठुलो कर लो ऊंचा, पहुंच, पहुंच का मतलब रीच, आपका रीच, आपका 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 प्रोस्पेक्ट्स, आपकी लेवल ऑफ मार्केटिंग आपको बड़ी करनी पड़ेगी। थिंक बिग एंड रीच बिगर। सोच बड़ा, पहुंच बड़ा, सोचो बड़ा। ये मत सोचो कि साल का 5 लाख कमाना, ये सोचो कि साल का 5 करोड़ कमाना। जितना सोच बड़ा करोगे उतनी ही अचीवमेंट बड़ी होगी, और जितना पहुंच बड़ा करोगे, जितना आपका सराउंडिंग प्लेस बड़ा करोगे, मैं तो सीधे सीधे बोलता हूं, मैं देखा लोगों को लिखा था उन्होंने सर विराटनगर, लिखा था दो लोगों ने लिखा विराटनगर, एक ने लिखा था बुटवाल, एक ने लिखा था बीरगंज। मैं एक ही बात बोलता हूं, अगर आप बुटवाल में हो, बीरगंज में हो, विराटनगर में, काठमांडू में, और बिजनेस नहीं हो रहा तो निकलो ना, भूल जाओ कि आपका। लोग बोलते हैं, मैं देखता हूँ नेपाल जाता हूँ ना, लोग बोलते हैं सर मुझे तेत्री ठूलो एजेंट है ना, सर मेरो चे मो गांव में बस छू, मेरो गांव में चे धेरे ही मानचे छे ना, जस कारण ले मेरो पॉलिसी पनी धेरे ही बेसी छे ना। क्या तो मैं एक ही बात बोलता हूँ, किसने बोला तेरे को गांव में रहने को, काठमांडू में आ जा, एक रूम रेंट ले ले, 10,000 पे रूम रेंट ले, काठमांडू में आके धंधा कर। अगर अगर नेपाल की सबसे बड़ी सिटी काठमांडू है, तुमको अगर बड़ा एजेंट बनना है, तुमको अगर टॉप लेवल पे काम करना है, तो तुमको बड़े सिटी पे जाना पड़ेगा, निकल जाओ। याद रखो छोटी जगह पे पहुंच छोटी होती है, सोच छोटी होती है, बड़ी जगह पे सोच बड़ी हो जाती है, पहुंच बड़ी हो जाती है। अपने गांव में भी बेचो, काठमांडू में बेचो, जहां भी जाओ बेचो। मैं हमेशा बोलता हूँ बड़े एजेंट्स की दो पहचान होती है, सोच बड़ा होता है उनका, सोच, लेवल ऑफ थिंकिंग इज हाई एंड लेवल ऑफ मार्केटिंग इज हाई। मार्केटिंग का लेवल जो है ना, पहुंच, वो भी बड़ा होता है। दोस्तों ध्यान से देखिए, याद रखिएगा, पैसा कमाना है तो 4M याद रखना, 4M ध्यान से सुनिए, That is very important lesson for your profession. I repeat, very important lesson for your profession. पैसा कमाना है, if you want to earn money, then you have to remember 4M ever in your life. 4M. The first M is always remember. जैसे आप इस 4M को याद रखोगे, तो सबसे पहला M होता है, that is called मुस्कुराना होगा. Always feel happy. Always be happy. Always. कभी भी अपने कस्टमर को, अपने रिलेटिव को, अपने प्रोस्पेक्ट को, अपने ऐसे लोगों को जिससे आप मिलते हो, उसको कभी ये फील होना नहीं चाहिए कि यू आर इन टेंशन, यू आर इन नेगेटिव माइंड। जब भी मिलो मुस्कुरा के मिलो, यस सर धेरे राम रो सर संचय हनुमंच हजर सर संचय अस्ति मैले 5 करोड़ को बीमा बिक्री करे मैं, ऐसा बोलो, खुश रहो। जब भी मिलो खुश रहो, पैसा जेब में है कोई देखने नहीं जाता, चेहरे पे स्माइल है, एवरीवन उसको ही देखता है। लेकिन हमारा इंश्योरेंस एडवाइजर कैसा होता है, आज ऑनलाइन मीटिंग में हूं इसलिए बता नहीं पा रहा हूं, लेकिन सच बताता हूं, हमारा जो इंश्योरेंस एडवाइजर होता है ना, वो ऐसे ऐसे टेंशन में, क्या भयो सर आधा राम्रो मन पर्दैन अब, के भयो के के को प्रब्लम, अस्ति देखि मेरो बीएम सरले कस्तो कडाको यस्तो पोलिसी हुन्छ के, राम्रो मन पर्दैन। जब भी उनको कोही मिल्दा अब के हो लाइफमा, जो दारू जो पार्टी, मुस्कुराना होगा। याद रखो, ऑलवेज यू हैव टू बी स्माइली, हमेशा अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखो, बीमा हो ना हो, जब भी किसी से मिलो ना, उसको लगना चाहिए कि ही इज द बेस्ट पर्सन, ही इज द बेस्ट पर्सन जिससे मुझे धंधा शुरू करना है, मुस्कुराना होगा। सेकंड पॉइंट, सेकंड मिलना होगा। आई रिपीट, सिर्फ मुस्कुराने से काम नहीं होता है, अगर आपको धंधा करना है ना तो चेहरे पे स्माइल रखो और लोगों से मिलना शुरू कर दो, हजर सर नमस्ते, हजर सर नमस्ते बोलना शुरू कर दो। नहीं जानते हो, मैं तो सीधे सीधे बोलता हूं, अगर आप किसी को नहीं जानते हो ना, उससे भी हैंडशेक करो, हाथ मिला लो, नमस्ते बोल दो रोड पे, नमस्ते हजर, तो वही बोलेगा नमस्ते, तो क्या पूछेगा। आप बोलते हो मेरे को ये आदमी नहीं जानता है, मैं इसको कैसे पॉलिसी बेचूं, मैं सिखाता हूं। किसी भी अनजान आदमी को मिलो, बोलो नमस्ते हजर, नमस्ते नमस्ते हजर, नमस्ते नमस्ते सर, आपको किधर में मिला था क्या, तो बोलेगा कहाँ कहाँ भेट्नु भएको थे, मलाई चाहिँ राम्रो त्यो मन पर्दैन सर, ए होस् न सर आज मिल गया ना सर, बात करता हूँ, अपना कार्ड दो सर, आई एम इन्सुरेन्स एडवाइजर सर, तपाईँको इन्सुरेन्सको जरुरत हो, तपाईँको सर धेरै धेरै राम्रो पोलिसी छ हाम्रोमा, तपाईँको लागि यो पोलिसी हाम्रो कुन चाहिँ
समृद्ध बीमा, हमरो कुन छे अमूल्य जीवन, उसको बताओ, बताओ उसको, मिलना होगा। लोगों से जितना ज्यादा मिलोगे उतना ज्यादा ऑप्शंस मिलेगा, जितना ऑप्शंस मिलेगा उतना ज्यादा बीमा की पॉसिबिलिटी होगी, जितनी पॉसिबिलिटी होगी उतना ज्यादा कमीशन आएगा, और जितना ज्यादा कमीशन आएगा उतने सक्सेसफुल आप हो जाओगे। मिलना होगा, थर्ड पॉइंट, मांगना होगा, याद रखो, मिलने से नहीं होता है। लोग क्या बोलते हैं, सर अस्ति मैले चार जनालाई मीट करे, अस्ति मैले दस जनालाई मीट करे, अस्ति मैले पन्ध्र जनालाई मीट करे, अस्ति 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 मैले एक महिनामा, लास्ट एक महिनामा याद छैन मेरोमा, तर मैले 200 जनालाई मीट करे। मीट गर्ने से नहीं होता यार, मिलने के बाद मांगना जरूरी है। जिससे भी मिलो प्रीमियम मांगो, जिससे भी मिलो बीमा मांगो, बिना बीमा मांगे घर नहीं चलता है। मिलो मुस्कुरा के, मिलो मुस्कुरा के और मांगो बीमा, मांगना होगा। मेरी बात समझ में आ रही है, यस और नो प्लीज मुझे चैट में लिखिए, आर यू अंडरस्टैंडिंग माय वर्ड्स, अंडरस्टैंडिंग माय लॉजिक एंड सेंटेंसेस, प्लीज मुझे लिखिए। याद रखो इस धंधे का रूल है, मिलने से काम नहीं होता है, मिलने के बाद मांगना होता है। जब तक नहीं मांगोगे धंधा होने वाला नहीं है। इस दुनिया में सबसे पहला रूल है, मांगने के बाद ही तुम्हारे पास कुछ मिलता है, नहीं मांगोगे कुछ नहीं मिलता है। एंड फोर्थ है, फर्स्ट एम मुस्कुराना होगा, सेकेंड एम मिलना होगा, थर्ड एम मांगना होगा, एंड फोर्थ एम दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इज कॉल्ड, अगर धंधे में आगे बढ़ना है तो MDRT करना होगा। ध्यान से सुनिए, अगर धंधे में आगे बढ़ना है तो आपके प्रेजेंटेशन पे भी शेयर करता हूं, अगर धंधे में आगे बढ़ना है तो MDRT करना होगा। इंश्योरेंस एजेंसी में अगर सक्सेसफुल होना है तो एक ही वर्ड है, दैट इज यू हैव टू बी MDRT। बस MDRT हो सफल हो, नहीं हो तो स्ट्रगलर। आई रिपीट, MDRT हो तो सक्सेसफुल हो, नहीं हो तो स्टिल यू आर अ स्ट्रगलर एजेंट, स्ट्रगलर। आज रोज सुबह उठ के सोच रहे हो किसको बीमा बेचू, किसको मिलू, कसलाई फोन करू, कसलाई भेटू, कसलाई पॉलिसी को विषय में कूड़ा बनू, दैट्स मीन यू आर स्टिल स्ट्रगलिंग, स्ट्रगलर हो। अगर MDRT नहीं हो तो स्ट्रगलर हो, और MDRT हो तो सक्सेसफुल। मुस्कुराना होगा, याद रखो ध्यान से, मुस्कुराना। अच्छा मेरी नेपाली थोड़ी बहुत अच्छी तो है, समझ में आ रही है आप लोगों को, समझ में आ रही है? जितनी भी नेपाली ट्राई कर रहा हूं समझ में आ रही है या सब, मुझे बताओ, मुझे भी थोड़ा इंकरेजमेंट मिलेगा। हजर ओके, सी आई एम फ्रॉम इंडिया, आई कैन स्पीक इन 12 डिफरेंट लैंग्वेजेस, 12 लैंग्वेज पे बात करता हूं, एंड उस 12 लैंग्वेज में नेपाली भी है, लेकिन नेपाली ऐसे आप मुझे पर्सनली मिलोगे ना सर, पर्सनली मैं बहुत अच्छे से बात करता हूँ, पर्सनली 1-to-1, बट एक मास में, एक ग्रुप में कभी कभी थोड़ी डिफिकल्टीज होती है, यू नो वी आर फ्रॉम इंडिया, तो इंडिया वाले लोग नेपाली में उतने ज्यादा तो एक्सपर्ट होते नहीं है, आप लोग भी हिंदी में एक्सपर्ट होते हैं बट मेरे जैसे एक्सपर्ट नहीं हो पाएंगे, तो वो थोड़ी बहुत होती है, थोड़ी बहुत कम्युनिकेशन गैप रहता है। एनीवे पॉइंट ये है कि पैसा कमाना है तो 4M याद रखना है, मुस्कुराना होगा, मिलना होगा, मांगना होगा और MDRT करना होगा। दोस्तों आगे प्रेजेंटेशन पे चलते ध्यान से देखिएगा, अगर आपको सफल बनना है तो मेक अ गोल, चेज योर MDRT, आपका एक गोल आपको डिसाइड करना जरूरी है। आज जिधर भी आप बैठे हो अपने घर पे, एक इमिजिएटली एक पेपर निकालो, एक पेज अपने हाथ में, एक पेन लो, और जो भी आपके सामने है, जो भी टेबल चेयर कुछ भी है, वॉल कुछ भी, उस पे लिख दो MDRT, लिख दो बस। याद रखो इंश्योरेंस एजेंसी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है, इंश्योरेंस एजेंसी में लोग आते तो हैं लेकिन जाना कहां है ये मालूम नहीं, रास्ता तो लिया बट मंजिल कहां है पता नहीं है। जैसे आपके DGM सर ने बताया था, बहुत खूबसूरत उन्होंने लाइन बताई कि सफलता उन्हीं को मिलती है, सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है। ध्यान से सुनिए, सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो वही मैं आपको बताना चाहता हूं, एक गोल बनाओ, मंजिल सेट करो, कहां जाना है बताओ। तो आपका बच्चा स्कूल में पढ़ता है, Class 1, Class 2, Class 3, Class 4, Class 5, Class 7, Class 8, Class 10, Class 11, Class 12, कहां जाना है उसको पहले से पता करते हैं आप। क्लास 10 के एग्जाम के बाद ही पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि तुझे डॉक्टर बनना है, तुझे इंजीनियर बनना है, तुझे आर्किटेक्ट बनना है, तुझे एडवोकेट बनना है।
अपने एजेंसी में 12 साल हो गया, 6 साल हो गया, 7 इयर्स कंप्लीट हो गया, बट आई डोंट नो, स्टिल आई डोंट नो कि मुझे जाना कहाँ। आपका एक गोल होना चाहिए, दैट इज एमडीआरटी, द प्रीमियम एसोसिएशन ऑफ फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स, एमडीआरटी। पहले नेपाल में एमडीआरटी कल्चर नहीं था, बट लास्ट 3-4 इयर्स में एमडीआरटी कल्चर डेवलप हो रहा है। नेपाल के एजेंट्स नेपाल का झंडा लेके, नेशनल फ्लैग लेके ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, नेशनल फ्लैग लेके मेलबर्न जा रहे हैं, यूएसए जा रहे हैं। आप कब जाओगे? आप अपने देश का झंडा ऐसा फ्लैग लेके कब अमेरिका में, फ्लोरिडा में कब ऐसे झंडा ऐसे 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 करके हिलाओगे, बोलोगे वी आर नेपालीज, वी आर एमडीआरटीज, वी आर प्रभु लाइफ, कब बोलोगे? कब बोलोगे? कब? व्हेन? डिसाइड करो ना, गोल बनाओ ना अपना। अपने सीईओ सर को बोलो, सर नेक्स्ट ईयर आई विल प्राउड प्रभु लाइफ नेक्स्ट ईयर। सर नेक्स्ट ईयर प्रभु लाइफ को मैं प्राउड बनाऊंगा। एमडीआरटी करना है, एमडीआरटी करना है। क्यों करना है मैं बताता हूं। सी एमडीआरटी करना है, क्यों करना है मैं बताता हूं। आई विल मेक यू प्राउड सर, आई विल मेक यू प्राउड। प्रभु लाइफ को मैं अपना प्राउड बनाऊंगा। मैं ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, किधर भी, जिधर भी एमडीआरटी कॉन्फ्रेंस होगा नेक्स्ट ईयर, उधर जाके मैं अपने देश का नेशनल फ्लैग लेके, मैं प्रभु लाइफ का ब्लेजर पहन के, उसके बाद में जाके उधर प्रभु लाइफ को रिप्रेजेंट करूंगा। बताओ अपने सीईओ का, जिस दिन आपने ये चैलेंज ले लिया ना, जिस दिन आपने अपने डीजीएम को ये बोल दिया, आरएम को बोल दिया, सर इस साल मुझे कुछ अलग करना है, मां कसम बोलता हूं उसी साल कुछ ना कुछ अलग होगा, उसी साल। याद रखो, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या मालूम है, इंसान डरता है, एक फियर होता है, फियर। वो फियर क्या पता है? वो फियर होता है फेल होने का फियर। आई रिपीट, फियर फॉर फेलिंग, फियर फॉर फेलिंग। इंसान को डर लगता है, मैं कुछ करना चाहूं ना हो तो कैसे काम चलेगा। मैं एक ही बात बोलता हूं, फियर फॉर फेलिंग से ही सक्सेस मिलता है। आप उस फेल होने का फियर को दिल से निकाल दो, सक्सेस मिल जाएगा। चेस योर एमडीआरटी। क्यों? एमडीआरटी डू इन दिस दिसंबर विच यू ओनली ड्रीम सिंस डिकेड। एमडीआरटी जस्ट अ गेम ऑफ माइंडसेट, एक माइंडसेट। सोच लिया तो हो जाएगा, नहीं सोचा तो नहीं होगा। Game of mindset, only game of mindset, only game of mindset. सोच लो बस, आज आज अपने घर पे अपने वाइफ को, अपने बच्चे को, अपने वाइफ को, अपने बच्चे को, अपने फैमिली को बोल दो, दोस्त आज मुझे एमडीआरटी इस साल करना है, बोल के तो देखो बस। आपकी वाइफ को बोल, मैं गारंटी देता हूं, लिख के देता हूं पेपर पे, अगर आज आपने शाम को 5 बजे अपनी मिसेज को बोला ना कि मुझे किसी भी कंडीशन में इस साल में एमडीआरटी करना है, तो वाइफ पूछेगी व्हाट इज एमडीआरटी, क्यों एमडीआरटी बोलना, मुझे कुछ तो कुछ अलग करना है, तो देखना आपकी वाइफ आपकी मोटिवेटर बन जाएगी। नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग वाइफ आपको उठाएगी, चाय का कप देगी और पूछेगी एमडीआरटी कब करना है, और तब आपको समझ में आ जाएगा कि यस आज घर पे रहना नहीं है, आज मुझे घर से बाहर जाना है। रोज आपके आपके बच्चे को बोल दो कि पापा मैं तेरा पापा हूं, मुझे रोज तू पूछना एमडीआरटी कब हुआ पापा, एमडीआरटी कब होगा पापा। जिस दिन आपका बेटा पूछ लेगा ना पापा तपाई को एमडीआरटी को के खबर हो, समझ जाना उस दिन आपको एमडीआरटी बनने की सोच पैदा हो जाएगी। एक सिंपल सा सोच है सर, सिंपल सा। हम अपने बच्चे को बोलते हैं डॉक्टर बन, अगर कभी आपका बच्चा पूछ लिया आप क्या बने, आप अपने बेटे को बोलते हो बेटा ऑस्ट्रेलिया जाना है, आपके बेटे ने किसी दिन पूछ लिया पापा पापा आपको किधर जाना है, मैं पढ़ाई करता हूं मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है डॉक्टर बनने के लिए, आप इंश्योरेंस एजेंसी करते हो आपको कहां जाना है और बनना क्या, बताओ तो क्या बोलोगे, क्या जवाब दोगे उसको, क्या जवाब दोगे बताओ। सिंपल रूल है सर, एमडीआरटी करना पड़े। मेरी बात समझ में आ रही है? यस और प्लीज, मेरी बात समझ में आ रही है तो यस लिखिए चैट पे। या फुल फॉर्म ऑफ एमडीआरटी इज मिलियन डॉलर राउंड टेबल, मिलियन डॉलर राउंड टेबल। पूरे वर्ल्ड का एक एसोसिएशन है, एमडीआरटी काउंसिल बोर्ड होती है, जिसमें पूरे वर्ल्ड से इंश्योरेंस प्रोफेशंस इंश्योरेंस प्रोफेशनल जो होते जो बहुत बढ़िया काम करते हैं, उनकी एक ग्रुप होती है जिसको एमडीआरटी
कंसीडर करते हैं मिलियन डॉलर राउंड टेबल, तो वो ऑल ऑल वर्ल्ड में जहां भी कॉन्फ्रेंस होती है वहां पार्टिसिपेट करते हैं, प्लस कमीशन वेंशन भी अच्छा आता है। एनीवे चलिए आगे बात करता हूं, एमडीआरटी करना है। देखो याद रखो एमडीआरटी करना है, क्यों करना है, कैसे करना है, ये समझाता हूं। बिफोर एमडीआरटी बिकम डीएसपी, आई रिपीट, बिफोर एमडीआरटी बिकम डीएसपी, एमडीआरटी से पहले डीएसपी बनना पड़ेगा। अब तपाईले सोध्नुहुन्छ, यो सर मेरो त पढाई लिखाइ भयो सक्यो, अब म कसरी डीएसपी बन्ने, डीएसपी को लागि डीएसपी मतलब डेपुटी सुपरिन्टेन्डेन्ट अफ पुलिस कसरी डीएसपी हुने, मैं आपको बताता हूं। एमडीआरटी का मतलब होता है मिलियन डॉलर राउंड टेबल, डीएसपी का मतलब कुछ अलग होता है। अगर आपको एमडीआरटी बनना है ना दोस्तों, तो डीएसपी बनना पड़ेगा, याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंटली समझा रहा हूं, दिमाग में डाल लो, दिमाग में सेट कर लो, आज जिधर भी आप बैठे हो, पेपर पेन नोटपैड नोटबुक जिधर भी है लिख लो कि मुझे पहले डीएसपी बनना है, उसके बाद मैं एमडीआरटी बन जाऊंगा। यू हैव टू बिकम डीएसपी फर्स्ट, देन लेटर यू विल बिकम डेफिनेटली एमडीआरटी। एमडीआरटी के हो, एमडीआरटी को विषय में मिलियन डॉलर राउंड टेबल। अब डीएसपी चे के हो, डीएसपी में तीन वड़ा अल्फाबेट हो, डी अनि एस अनि पी। डी को मतलब डिसिप्लिन, यू हैव टू बी डिसिप्लिन फर्स्ट। जिंदगी में कुछ भी हासिल करना है उसके लिए डिसिप्लिन बनना जरूरी है। डिसिप्लिनिंग आपको नेचर डेवलप करना पड़ेगा, ये कैरेक्टर डेवलप करना पड़ेगा। डिसिप्लिन का मतलब क्या है, अपने धंधे को जॉब की तरह मत लो, अपने धंधे को प्रोफेशन की तरह मत लो, अपने धंधे को अपने एक पैशन की तरह लो, पैशन, जुनून, पागलपन। इस दुनिया में ना सफलता उन्हीं को मिलती है जो जुनूनी होते हैं, पागल होते हैं। जो लोगों ने पागल बनने का सपना देखा वो लोग सफल बन गए, और जिन लोगों की जिंदगी में चलो बहुत बढ़िया है, आराम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आदमी तो कैसा है वैसा है, वो कभी सफल नहीं हो सकता। डिसिप्लिन, सुबह रोज अपना रूटीन सेट करो, सुबह इतने बजे उठना है, इतने बजे जाना है, इतने बजे लोगों से मिलना है, यहां मिलना है, ऐसे मिलना है, और घर पे इतने बजे आना है, डिसिप्लिन। सेकेंड पॉइंट एस, एस फॉर सेक्रीफाइस, करना जरूरी है, सेक्रीफाइस के बिना कुछ हासिल नहीं होगा, सेक्रीफाइस करना जरूरी है। मैं सिंपल पूछता हूं आपको, सिंपल, थोड़ा हंसी मजाक हो जाए, थोड़ा सा इंटरटेनमेंट भी जरूरी है। जितने लोगों को हमारा दादा, जितने लोग हैं हमारे दादा लोग, दाई हरू सब जना, आज घर में जाना खेरी रात कति बजी, 10 बजे, 10 बजे रात को, जो भी हमारे शादीशुदा लोग हैं, मैरिड हमारे फ्रेंड्स, आज रात को ना अपनी मिसेस से पूछना, अपनी वाइफ से पूछना, बस मेरा एक सवाल है, आज रात को अपने वाइफ से पूछना, मैं आपको कैसा लगता हूं, सच बताओ मैं तुमको कैसा लगता हूं, एक ही सवाल पूछना बस, मैं तुमको कैसा लगता हूं। पता है वाइफ क्या बोलेगी, बोलेगी इधर से निकलो, मुझे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं इन सब में, मैंने जिस दिन तुमसे शादी किया तो उस दिन सोचा था कि मैं दुनिया के सबसे बेस्ट पर्सन से शादी कर रहा हूं, आज मुझे लग रहा है कि मैंने गलती कर दी। क्यों पता है क्यों, उसका कारण है, जब हम लोग अपने वाइफ शादी करते हैं ना, तो अपनी मिसेज के हाथ में हाथ रख के ऐसा उसको कमिट करते हैं कि जब तक तेरा हस्बैंड रहेगा तेरे को लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आज उसके लाइफ में हस्बैंड और प्रॉब्लम दोनों एक साथ है, क्यों, क्योंकि हस्बैंड का काम है जिस प्रोफेशन को करे, जिस धंधे में वो हो, जिस जॉब में वो, उस जॉब को नंबर वन पे करना। हर वाइफ अपने हस्बैंड को नंबर वन देखना चाहती है, लेकिन आप कहा हो नंबर वन से एकदम नीचे, नंबर जीरो पे। सेक्रीफाइस करो, थोड़ा डिसिप्लिन के साथ काम करो, सेक्रीफाइस के साथ काम करो, और उसके बाद पी, प्रोफेशनलिज्म लेके आओ। विदाउट प्रोफेशनलिज्म आपको कुछ नहीं मिलेगा। इंश्योरेंस का धंधा उसी के लिए है जो प्रोफेशनल होता है, वरना यहां पे मैं जानता हूं ज्यादा एजुकेशन नहीं है फिर भी आ गए, कोई इशू नहीं है, आने दो उनको, लेकिन नहीं है एजुकेशन, प्रोफेशनल होना पड़ेगा। प्रोफेशनल का मतलब क्या है, जब भी घर से निकलो लगना चाहिए कि ये बंदा मस्त है, जब भी घर से निकलो तो लगना चाहिए कि दिस इज द पर्सन हु कैन चेंज माई लाइफ। ये कस्टमर को सोचना चाहिए, यही वो आदमी है जो मेरी जिंदगी बदल सकता है, इसके साथ हाथ मिलाना जरूरी है। प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। जब भी किसी से बात करो लगना चाहिए कि ये आदमी अपनी फील्ड का एक्सपर्ट है। मैं तो हमेशा बोलता हूं बहुत सारे हमारे एजेंट फ्रेंड होते हैं बड़े बड़े पार्टी के साथ, बड़े बड़े कस्टमर के साथ। फॉर एग्जांपल, एक टॉप डॉक्टर है काठमांडू का, टॉप सर्जन,
उसके पास जाते ना तो डर लगता है, क्या बोलूं, कैसे बात करूं, बीमा के बारे में कैसे बात करूं। मैं एक ही बात बोलता हूं, सर वो डॉक्टर नंबर वन होगा अपने धंधे में, आप भी नंबर वन होना चाहिए अपने धंधे में। जिस दिन आप नंबर वन हो जाओगे ना, वो आदमी आपसे आपके लैंग्वेज में बात करेगा, अपने लैंग्वेज में बात नहीं करेगा। प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। आप नंबर नाइन हो और नंबर वन से मिलने जा रहे हो तो डर तो रहेगा ही, पैनिक और फियर तो रहेगा ही। आप नंबर वन बन जाओ ना, फिर देखो दुनिया में कोई भी नंबर वन आपसे नीचे रहेगा। प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए। बिफोर एमडीआरटी बिकम डीएसपी, दोस्तों एक छोटी सी स्टोरी दिखाता हूं, देखो रियल हीरो ऑफ नेपाल। आप लोगों के सामने एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं, रियल हीरो ऑफ नेपाल। कितने लोग इसको जानते हैं बाय नेम? मैं फैन हूं इस बंदे का, इस इंसान का, निर्मल पुर्जा। एक ऐसा इंसान जो नेपाल का नाम पूरे वर्ल्ड में नंबर वन कर दिया, रियल हीरो ऑफ नेपाल। I salute this person because this is the only one person जिसने पूरे वर्ल्ड में नेपाल का नाम नंबर वन किया। क्यों बताएं? नेपाल का एक बंदा जो जॉब के लिए पहली बार, I repeat, जॉब के लिए पहली बार ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन किया, गोरखा रेजिमेंट। ब्रिटिश आर्मी गोरखा रेजिमेंट को ज्वाइन किया, लेकिन गोरखा रेजिमेंट में उसको ऐसा एहसास हुआ कि मुझे कुछ अलग करना है, मुझे खुद में कुछ अलग करना है। I want to become टॉप परफॉर्मर, मुझे कुछ अलग करना है, जॉब करना है नहीं करना है, ये उसने डिसाइड किया। और फिर क्या डिसाइड किया? मुझे कुछ नया करना है, कुछ अलग करना है। मेरी जिंदगी रोज सुबह उठ के इधर पैरेड ग्राउंड में, इधर उधर ट्रेनिंग ग्राउंड में स्पेंड नहीं करना, मुझे कुछ अलग करना है। वापस आया ब्रिटेन से, इंग्लैंड से वापस आया नेपाल, और नेपाल आके ट्रेनिंग लेना शुरू किया। किस चीज का? माउंटेनियरिंग का। इसको पहाड़ पे चढ़ना था, इसने बोला कि मुझे पहाड़ पे चढ़ना है। घर की कंडीशन बहुत खराब थी, बहुत खराब घर की कंडीशन। इसके बच्चे, इसकी वाइफ बोली क्या तुम पागल हो गए? इसकी मम्मी, ध्यान से सुनो मम्मी, किधर का है मालूम है ये बंदा? ये आपके नेपाल में एक जगह है जिसका नाम है चितवन। चितवन का ये इंसान, चितवन में पैदा हुआ ये लड़का आर्मी को ज्वाइन करके ब्रिटेन गया, और ब्रिटेन से वापस नेपाल आया, और नेपाल में आके क्या बोलता है? मुझे एवरेस्ट पे जाना है। कहां जाना है? मुझे एवरेस्ट पे जाना है, मुझे मकालू पे जाना है। लोगों ने बोला पागल हो गया क्या? दोस्तों ने बोला पागल हो गया क्या? पैसा चाहिए। बोला मैं फंड रेज करूंगा, मैं डोनेशन मांगूंगा, मैं लोगों से जाके मिलूंगा, बोलूंगा मुझे एवरेस्ट पे जाना है, मुझे एक नया अचीवमेंट करना है, मुझे थोड़ा सपोर्ट करो। फंड रेज करके इसने माउंटेनियरिंग का ट्रेनिंग लिया, अपनी एक टीम बनाई। और दोस्तों देखो, इसकी फैमिली से मैं आपको समझाता हूं। देखो, ही इज द निर्मल पुर्जा, अपनी मिसेज के साथ, वाइफ के साथ। इसकी मॉम क्रिटिकल कंडीशन, हॉस्पिटल में एडमिट है, लेकिन उसके बावजूद ये अपनी माँ को कमिट करता है, माँ मेरे को एवरेस्ट पे जाना है। इसकी माँ बोलती है नेपाली में, इसकी माँ बोलती है, एक ही लाइन बोलती है कि बाबू, इसकी माँ बोलती है बाबू तेरो सपना चे तो कंप्लीट कर, मोचे रामरोई छू। हॉस्पिटल में एडमिट है, आशीर्वाद देती है, जा बाबू जा, तेरो सपना चे कंप्लीट कर। ये बंदा वापस अपनी माँ को हॉस्पिटल में छोड़ के, ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर को समझा के वापस निकल जाता है। दाना स्मॉल विलेज नेपाल, धौलागिरी चितवन डिस्ट्रिक्ट में पैदा हुआ। और इस आदमी ने सिर्फ एवरेस्ट ही नहीं दोस्तों, इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। निर्मल पुर्जा इज नोटेबल फॉर हैविंग क्लाइम्ब ऑल 14 8000ers, यानी के पूरे वर्ल्ड के 14 सबसे टॉप पहाड़ जो है ना, टॉप माउंटेन, 8000 फीट का टॉप माउंटेन, 14 टोटल इंडिया में, भूटान में, इधर अपना नेपाल में, इधर अपना पाकिस्तान में, पूरे वर्ल्ड के जो टॉप 14 8000 मोस्ट पीक्स है ना, उसको इसने 6 महीने में, विदिन 6 मंथ इसने उसको अचीव किया। और वो भी क्या, बॉटल ऑफ ऑक्सीजन, बस सैल्यूट करने के लायक है ये आदमी। पागल नहीं तो और क्या, इतना अच्छा जॉब कर रहा था, ब्रिटिश आर्मी में जॉब कर रहा था, सैलरी मिल रही थी, उसके बावजूद वापस नेपाल आया और नेपाल में अपना एक इतिहास लिखा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर तीन चीज थी। पहला, नो गिव अप फीचर, अंदर कभी भी हथियार नहीं डालेगा, कभी भी गिव अप नहीं करेगा। सेक्रीफाइस किया इसने अपने जीवन में बहुत सारा। प्रॉब्लम इसके पास भी था, पैसे नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद इसने डिसीजन लिया, इसने डिसाइड किया। और याद रखो, जब एक बार एक इंसान डिसाइड कर लेना तो उसको उस डिसीजन पे कंटिन्यू, उसको फॉलोअप करना जरूरी है। वापस वो नहीं आएगा, गिव अप नहीं करेगा।
मैं आपको एक ही बात बोलता हूँ, आज डिसाइड किया कि मुझे एमडी आरडी करना है तो आज करना है तो करना है, 2023 31 दिसंबर के इन बिटवीन मुझे एमडी आरडी करना है, और 2024 में मुझे अपने अपने ब्लेजर के इधर बटन पे ना इधर एमडी आरडी का लोगो लगाना है तो लगाना है, बस दैट इज माय प्रॉपर एम, दैट इज माय गोल। दोस्तों क्या बंदा है, मैं चाहूंगा जिधर भी आप लोग बैठे हो एक बार हमारे निर्मल भाई के लिए, इनका मैंने वेब सीरीज देखा नेटफ्लिक्स पे, और जब नेटफ्लिक्स पे मैंने वो वेब सीरीज देखा ना, उसके बाद मैंने पूरा का पूरा इस आदमी का विकिपीडिया स्टडी किया, आई वाज सरप्राइज यार, आई वाज मोटिवेटेड, क्या बंदा है, क्या इंसान है ये, बताओ। दोस्तों याद रखिए, इस दुनिया में सफलता उन्हीं को मिलती है, ध्यान से सुनिएगा, इस दुनिया में सफलता उन्हीं को मिलती है जिसको सिर्फ चाहिए नहीं, आई रिपीट, इस दुनिया में सफलता उन्हीं को मिलती है जिसको सिर्फ चाहिए नहीं, इस दुनिया में सफलता उन्हीं को मिलती है जिसको चाहिए ही चाहिए होता है, आई रिपीट, तुमको कुछ चाहिए सफल नहीं हो सकते हो, चाहिए ही चाहिए सफल हो सकते हो, जिस अगर किसी चीज के बिना तुम नहीं रह सकते हो तो इसका मतलब वो चीज तुमको चाहिए, और चाहिए ही चाहिए। अपने सीनियर को बताओ, सर मुझे एमडी आरटी चाहिए ही चाहिए, मैं इसके बिना एजेंसी में नहीं रह सकता हूं, अगर एक साल दो साल एमडी आरटी नहीं होगा ना सर, थैंक यू सर, मैं जाने वाला हूं, मैं छोड़ के जाऊंगा, जाओ नो इश्यू, कोई दूसरा आएगा, तुम जाओगे कोई दूसरा आएगा, उनका काम है रिक्रूटमेंट करना, एजेंट बनाना, वो बनाएंगे, बट अगर आप एक बार एजेंट बने हो ना तो बताओ ना, दिल से बताओ सर चाहिए ही चाहिए, बताओ मुझे करना है, चाहिए ही चाहिए। इस बंदे ने बोला मुझे एवरेस्ट पे जाना है, मुझे ऑल 14 माउंटेन्स को अचीव करना है तो करना है तो करना है, बस मम्मी हॉस्पिटल ये माउंटेन पे, बताओ कैसा सिचुएशन है। हमारे घर में तो ऐसा प्रॉब्लम होगा ना, हम तो कॉमन लोग है ना भाई साहब, हमारा प्रॉब्लम क्या मालूम है, हमारे घर में हमारे बच्चे को ऐसा बाबा ओ हस 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 घर में बैठेंगे, सीनियर को क्या बोलेंगे, पार्टी को क्या बोलेंगे, अलिकति घर में प्रॉब्लम छ के सर अलिकति ढिलो हुन्छ, दुई तीन मा म तपाईको सँगमा भेट गर्छु, क्यों बेटे को जुकाम आ गया बाबू बैठ जाते। याद रखो आपका काम है बाहर जाना, काम करना, पैसा कमाना, दैट्स इट, इतना पैसा कमाओ, इतना पैसा कमाओ कि बेटे को ठीक होना तो काठमांडू ले जाके टॉप डॉक्टर से दिखा पाओ, लोकल डॉक्टर से दिखाने की जरूरत ना पड़े, इतना पैसा कमाओ, इतना पैसा कमाओ कि जब आपका बच्चा बोलेगा ना पापा आईफोन चाहिए वाला, आईफोन खरीद के दे सको, इतना पैसा कमाओ कि आपकी बीवी बोले बोली जुम पोखरा घूमने को लागे लेके जा सको, इतना पैसा कमाओ इस एजेंसी में कि आपका मम्मी आपके फादर आपके रिलेटिव बोले कि एक फैमिली ट्रिप करते हैं तो अगले दिन ट्रिप होना चाहिए, अपनी खुद की कार से होनी चाहिए, खुद की कार से, नेपाल में कार की कीमत 35-40 लाख रुपए है, इतना तो होना ही चाहिए, होना ही चाहिए, साल में एक साल दो साल इतना काम करो कि खुद की दो साल के बाद घर के सामने अपनी खुद की एक ऑडी होनी चाहिए, एक मर्सिडीज होनी चाहिए, एक एसयूवी होनी चाहिए। दोस्तों आगे प्रेजेंटेशन में बात करता हूं, टॉप 2 एजेंट्स इन इंडिया, देखो ध्यान से, सिर्फ 30 मिनट्स है हमारे पास, 30 मिनट्स में मैं काफी सारी चीजें बताऊंगा, टॉप 2 एजेंट्स ऑफ इंडिया, एलआईसी ऑफ इंडिया के टॉप 2 एजेंट्स के बारे में बात करता हूं, बहुत ही सिग्निफिकेंट बात है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, वन इज मिस्टर भरत पारिक ऑन योर लेफ्ट, सेकेंड वन इज वेंकटेश्वर राव ऑन राइट। भरत पारिक इज द नंबर वन इंश्योरेंस एडवाइजर ऑफ इंडिया बिकॉज ही इज डूइंग इंश्योरेंस प्रोफेशन सिंस लास्ट 35 years, आई रिपीट सिंस लास्ट 35 years, 35 सालों से इंश्योरेंस एजेंट है और इंडिया के नंबर वन एजेंट है फ्रॉम महाराष्ट्र नागपुर, एंड द बेस्ट पार्ट ऑफ भरत पारिक ही हैज सोल्ड अराउंड 5 लाख पॉलिसीज इन हिज लाइफ, 5 लाख पॉलिसी, और आज भी इनके अंडर में 50,000 पॉलिसी इन फोर्स है, चल रही है 50,000 पॉलिसी, पूरे साल में इनके पास 50,000 कस्टमर को इनको सर्विस देना होता है, इनकी एक टीम है, पूरी टीम है, जिस टीम को इनको सैलरी पर मंथ मोर देन 20 लाख रुपीस इनको अपने स्टाफ्स को अपने एम्प्लॉइज को सैलरी देना होता है, एंड द सेकेंड वन इज वेंकटेश्वर राव फ्रॉम विशाखापट्टनम वाइजाग,
आंध्र प्रदेश, आई रिपीट, विशाखापट्टनम वाइजाग आंध्र प्रदेश, ही इज वन ऑफ द बेस्ट एडवाइजर ऑफ इंडिया। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं, इन 2000, आई रिपीट, इन 2013-14 में, कौन से साल में, 2013-14 में भरत पारिख जी ने जितना साल में पैसा कमाया उससे ज्यादा पैसा वेंकटेश्वर राव ने कमाया। एक साल में वेंकटेश्वर राव जी ने 30 करोड़ रुपए इंडियन करेंसी, आई रिपीट, इंडियन करेंसी 30 करोड़ रुपीस विद इन अ ईयर वेंकटेश्वर राव जी ने LIC में डिपॉजिट किया प्रीमियम, और अगेंस्ट ऑफ 30 करोड़ LIC ऑफ इंडिया से एक साल में मोर देन 8-9 करोड़ रुपीस उन्होंने कमीशन लिया एक साल में, विद इन वन ईयर, एक साल के अंदर। लोगों ने पूछा कि ऐसे कैसे हुआ, भरत पारिख को नंबर वन पे बीट करके नंबर वन वेंकटेश्वर राव क्यों हो गया। ध्यान से सुनिएगा, वेंकटेश्वर राव जी के पास लोग जाने लगे, कॉन्ग्रेचुलेशन विश करने लगे, और एक दिन वेंकटेश्वर राव जी के पास एक न्यूज़पेपर का इंटरव्यूअर के लिए एक रिपोर्टर गया, और रिपोर्टर ने जाके पूछता है वेंकटेश्वर राव को, सर कॉन्ग्रेचुलेशन, बोला थैंक यू सर, आई केम टू नो दैट यू बिकम द नंबर वन एडवाइजर ऑफ द इंडिया, बोला यस डेफिनेटली, लास्ट ईयर आई हैव डन मोर देन पॉलिसीज ऑफ मोर देन सॉरी इन कंपैरिजन ऑफ भरत पारिख, बोला वेरी नाइस सर। तो उसने बोला कि सर, रिपोर्टर पूछता है वेंकटेश्वर राव को, ध्यान से सुनिएगा सब जना अली कति ध्यान दिए रहा सुनू के, वेंकटेश्वर राव ले रिपोर्टर ले के सोधे, सर मैले सुने को छु तपाई जे नंबर वन भए यो वर्ष मा, बोला हजुर, कति पॉलिसी बिक्री गर्नु भए, पॉलिसी त थाहा छैन मलाई एक्ज्याक्टली, तर प्रीमियम चाहिँ 30 करोड मैले गरे, 30 करोड आमा 30 करोड अफ कमिशन का त कमिशन कति 8-9 करोड़ रुपीस कमिशन मैले भेटे मलाई भेटे ओके। तो वेंकटेश्वर राव को रिपोर्टर क्या पूछता है, रिपोर्टर पूछता है वेंकटेश्वर राव जी को कि सर आपने इस साल 30 करोड़ किया, अगला साल कितना करोगे, नेक्स्ट ईयर कितना करोगे। तो वेंकटेश्वर राव जी का जवाब था, नेक्स्ट ईयर मैं 100 करोड़ प्रीमियम लेके आऊंगा, 100 करोड़, कितना करोड़, 100 करोड़ प्रीमियम। तो रिपोर्टर बोलता है कैसे, तो उसने एक रूल समझाया, उसने क्या रूल बताया ध्यान से सुनिएगा। वेंकटेश्वर राव जी ने बोला कि मैं रोज सुबह 7:30 घर से निकल जाता हूं, और रोज मॉर्निंग में 7:30 घर से निकल के अननोन लोगों को मिलता हूं, जिसको भी मिलता हूं उससे हैंडशेक करता हूं, नमस्ते बोलता हूं, और बोलता हूं सर आई एम वेंकटेश्वर राव, आई एम अ इंश्योरेंस एडवाइजर ऑफ LIC, सर लास्ट 30-32 इयर्स मैं LIC में काम कर रहा हूं, और लास्ट 30 इयर्स से मैं LIC के मेरे बहुत सारे कस्टमर्स को मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूं, दे आर वेरी हैप्पी फ्रॉम माई सर्विस, एंड नाउ सर मैं आपके लिए प्लान लेके आया हूँ। बोला क्या, बोला सर 1 lakh rupees पर ईयर दीजिए, आफ्टर 20 ईयर्स यू विल गेट 40 lakh rupees, आई रिपीट 1 lakh rupees एवरी ईयर दीजिए, आफ्टर 20 ईयर्स यू विल गेट 40 lakh rupees, एंड दैट इज वेरी मच अमाउंट, एंड दैट इज गारंटेड ऑल्सो। बस यही लाइन वो बोलता है, 1 lakh rupees दीजिए 20 साल, और 20 साल के बाद मैं आपको 40 lakh rupees दूंगा। कस्टमर बोलता है प्लान तो अच्छा है बट पैसा नहीं है, आई रिपीट ध्यान से सुनो, कस्टमर क्या बोलता है, यो प्लान चाहिँ मलाई मन परे के धेरै राम्रो, 1 lakh 1 lakh कति वर्ष, 20 वर्ष, ल 20 वर्ष तिरे पछि के हुन्छ, 20 वर्ष तिरे पछि 20 वर्ष को लास्टमा तपाईले 40 lakh rupees भेट्छ, 40 lakh, ल राम्रो प्लान हो के, तर कुन चाहिँ प्लान हो, यो प्लान, ल हस म यो प्लान को विषय में इंट्रेस्टेड छु, तर मेरोमा अहिले पैसा छैन, पैसा आए पछि तपाई चाहिँ मलाई मीट गर्नुस्। आपको भी यही बोलता होगा ना कस्टमर, यस अर नो, आपके भी कस्टमर आपका प्लान सुनते हैं, जीवन समृद्धि, जीवन अमूल्य, अमूल्य जीवन, समृद्धि जीवन, मनी बैक पॉलिसी सुनते हैं, तो आपका कस्टमर भी तो यही बोलता है ना सर प्लान अच्छा है पैसा नहीं है, यस अर नो, मुझे बताओ, प्लान इज गुड बट आई डोंट हैव मनी राइट नाउ सो आई कांट इन्वेस्ट और आई कांट परचेज योर पॉलिसी राइट नाउ, यस प्लीज मुझे बताओ। यस जस्ट अ वेट, वेट वेट
ओके सो मैंने रिप्लाई के लिए पूछा था, आप लोगों ने ज्यादा रिप्लाई दिया नहीं, फिर भी मैं चेक करता हूँ। यस ओके तो वेंकटेश राव, ध्यान से सुनिए, वेंकटेश राव को जब रिपोर्टर ने पूछा तो बोलता है मैं नेक्स्ट ईयर 100 करोड़ करूंगा। तो उसने पूछा क्यों कैसे, बोला मैं रोज सुबह लोगों से मिलता हूँ, लोगों को मिलता हूँ, लोगों को बात करता हूँ, लोग बोलते हैं कि प्लान तो अच्छा है बट मैं बाद में लूंगा। एंड माय डियर फ्रेंड, ऑलवेज रिमेंबर वन इंपॉर्टेंट लेसन फ्रॉम वेंकटेश्वर राव बिजनेस स्ट्रेटेजी, दैट इज वेंकटेश्वर राव क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं इंडिया के टॉप 2 एजेंट्स में से एक एजेंट क्या बोलता है कि मेरा काम है लोगों से मिलना और बीमा के बारे में बताना। मैंने उसको प्रीमियम बता दिया, अब उसको लेना है या नहीं लेना है वो डिसाइड करेगा, लेना है या नहीं लेना है वो डिसाइड करेगा। अगर कस्टमर बोलता है कि मुझे अच्छा लगा बट पैसे नहीं है तो मैं क्या बोलता हूं पता है, सर थैंक यू, आपने इंटरेस्ट लिया, सर आपके पास आज पैसे नहीं है, कल आपके पास पैसे होंगे तो मैं आपसे मिलूंगा। और अपने डायरी में, अपने पॉकेट से एक डायरी निकाल के वो पॉकेट की डायरी में नोट करता है और लिखता है टुडे इज द 3rd March 2023, आई हैव मीट वन पर्सन इन नेम ऑफ मिस्टर एबीसी एंड आई हैव सोल्ड हिम ₹1 lakh प्लान, आई रिपीट ₹1 lakh policy, बट उसने मुझे आज पैसा नहीं दिया, पैसा बाद में देगा, उधार रह गया। क्या रह गया, ध्यान से सुनो वर्ड, उधार रह गया। आज मैंने उसको बीमा बेचा, बेच दिया, मैंने उससे मिला, उसको बीमा बताया, मतलब मैंने बेच दिया, लेकिन अभी उसने पैसा नहीं दिया, इसका मतलब है पैसा उधार रह गया, बीमा बिक गया, पार्टी कन्विंस हो गया, पॉलिसी समझा दिया, पैसा नहीं मिला मतलब उधार रह गया, आज नहीं कभी तो वापस करेगा। और वो क्या बोलता है पता है, वो बोलता है सर, इंटरव्यू जो लेने गया था रिपोर्टर उसको बोलता है सर मैंने पिछले 30 सालों से रोज यही काम किया है और आज मेरा जो अकाउंट है ना उस अकाउंट में, उस लेजर में मोर देन 500 crore rupees का अमाउंट उधार में है। यानी कि मैं इतने लोगों से मिला हूं, लोगों ने इतना बार ना बोला है, लोगों ने बोला प्लान इज गुड, आई एम इंटरेस्टेड बट राइट नाउ आई एम अनेबल टू परचेज, तो इट मीन्स कि उसके पास पैसे नहीं है, उधार रह गया और आज मेरा जो लेजर है ना वो 500 crore का है। आज मैं कुछ नहीं करता हूं सर, आज मैं वो लेजर, वो अकाउंट बुक लेके निकलता हूं और लोगों को मिलता हूं और बोलता हूं सर अस्ति 2 साल मतलब मैं हिंदी में बताता हूं आपको, सर 2 साल पहले मैं आपको मिला था, आपको मैंने एक प्लान बताया, आपने बोला सर प्लान इज गुड, बोला था ना सर, बोला हाँ बोला था सर, उस दिन आपने क्या बोला था कि आपके पास पैसे की क्राइसिस है, आज उम्मीद करता हूं कि आपके पास पैसा होगा सर, आज आपको लेना चाहिए। तो कस्टमर क्या बोलता है, बोलता है हाँ यार उस दिन तो मेरे पास पैसे नहीं थे, आज मेरे पास एटलीस्ट थोड़ा तो है तो मैं इतना नहीं लूंगा बट इतना लूंगा। इस कंडीशन पे वेंकटेश्वर राव क्या बोलते हैं कि 500 crore rupees का उधार है, आज अगर मैं लोगों को जाके बीमा बताऊं तो मार्केट से 20% तो रिटर्न मिलेगा, 20% तो फिरता मिलेगा, 20% ऑफ 500 करोड़ इज अराउंड 100 crore। तो वेंकटेश्वर राव क्या बोलते हैं इस धंधे में, याद रखो वेंकटेश्वर राव जी का रूल क्या है, उनका रूल है ध्यान से देखिए, क्रिएट सेल्स ऑन क्रेडिट, आई रिपीट क्रिएट सेल्स ऑन क्रेडिट, क्रिएट सेल्स ऑन क्रेडिट। सी हमारा प्रॉब्लम क्या है, हमें लगता है कि इंश्योरेंस बेचने का मतलब है पैसा लेके आओ, नहीं बाबा मत लाओ, तू उधार में धंधा कर चलेगा, जिसका उधार जितना ज्यादा होगा धंधा उतना ज्यादा होगा। कैसे, मैं आपको समझाता हूं, देखो जितना ज्यादा उधार होगा कलेक्शन उतना ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि रूल ये कहता है बीमा पहले उधार में बताओ, अगली बार पैसा लेके आओ, पहली बार जाओ बताने जाओ, एक्सपेक्टेशन के साथ मत जाओ कि मैं बेच के आऊंगा, पहली बार मिलो बताओ, दूसरी बार पैसा लेके आओ, क्योंकि पहली बार पैसा का एक्सपेक्टेशन रखोगे नहीं मिलेगा तो नेगेटिव थॉट आएगा। पहली बार रिलेशनशिप बिल्डअप करो, मिलो बीमा के बारे में बताओ, यस यू आर अ सेल्समैन, यू आर अ इंश्योरेंस एडवाइजर, यू आर अ प्रभु लाइफ एडवाइजर, आप उसको बताओ और अगली बार पैसा लेके आओ। जितना ज्यादा उधार होगा कलेक्शन उतना ज्यादा होगा। रोज 10 लोगों से मिलो, ध्यान से सुनो, रोज एवरीडे मीट मैक्सिमम पीपल, एटलीस्ट 10 पीपल, और रोज 10 लोगों को 1-1 lakh rupees का प्रीमियम बताओ, 1-1 lakh, उस 1-1 lakh का प्रीमियम बता के अगर 10 लोगों ने बीमा नहीं लिया, ऐसा मत सोचो कि बीमा नहीं हुआ, घर पे आओ सेलिब्रेट करो कि आज मैंने 10 लोगों को 10 lakh का प्रीमियम बेचा,
अगली बार जब जाओगे ना वो 10 लाख में से 20% 1 लाख तो आएगा। जितना ज्यादा उधार होगा दोस्तों उतना ज्यादा कलेक्शन होगा। समझ में आया तो लिखिए नाइस, और फॉर सपोज अगर समझ में आया तो लिखिए अंडरस्टैंड UND, बस इतना ही, ज्यादा नहीं। ओके सो मेरा पॉइंट क्या था, पॉइंट फिर से आपको रिपीट करता हूं। कभी भी लोगों से मिलो तो ये एक्सपेक्टेशन मत रखो कि इमीडिएट बीमा होगा। बीमा एक ऐसा चीज है ना, देखो याद रखो, हमेशा याद रखिए, एक डॉक्टर होता है ना, आप बीमार हो डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर पहले चेकअप करता है, फिर आपको लाइटली मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके लिख के देता है, और उस मेडिसिन से अगर आपके तबीयत में, आपके बॉडी में, अगर आपके हेल्थ में, अगर अच्छी मतलब हेल्थ में अगर सुधार बोलते ना, डेवलपमेंट अगर उसमें नहीं होता है, इम्प्रूवमेंट नहीं होता है, तो फिर वो ऑपरेशन करता है। यू आर अ डॉक्टर यार इन योर फील्ड, पहले मिलो, पहले उसको बीमा प्रिस्क्राइब तो करो, पहले बीमा प्रिस्क्राइब करो। अगर बीमा बिक गया वेल एंड गुड, नहीं तो ऑपरेशन तो बाद में करने ही वाले हैं हम, आज नहीं तो कल ऑपरेशन भी करेंगे। पहले प्रिस्क्रिप्शन में तो बीमा लिख के दो उसको, लोगों से मिलो, जितना ज्यादा उधार होगा कलेक्शन उतना ज्यादा होगा। दोस्तों अगला पॉइंट पे बात करते, ध्यान से देखिए, अब मैं बताने वाला हूं MDRT। देखो आपने बोला MDRT क्या होता है, आपको मैं समझा देता हूं। इस साल आपको MDRT करना है। MDRT करने के लिए 1 जनवरी से 31 दिसंबर का कैलेंडर आपको यूज करना होता है, बिकॉज आपके इधर नेपाली जो आपका कैलेंडर है ना, अभी कौन सा मंथ चल रहा है, आई थिंक राइट नाउ इज फागुन, राइट, फागुन, आई डोंट थिंक सो कि फागुन है, फागुन आने वाला है। विच मंथ इज दिस इन नेपाली, एज पर नेपाली कैलेंडर, मेरे पास भी है, मैं भी चेक करता हूँ, वेट या मैंने एक ऐप रखा है आपके नेपाल के बारे में जानने को, इस ऐप का नाम है हाम्रो पात्रो, तो आई थिंक इट्स फागुन ना, राइट, फागुन ही शो कर रहा है मुझे भी, या फागुन है सर, राइट, फागुन में होली होती है। ओके तो MDRT, देखो MDRT करने के लिए क्या है क्राइटेरिया, आपके स्क्रीन पे मैंने शेयर किया, सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या नोट करना है तो नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखिएगा। MDRT अगर नेपाल में, अगर नेपाल में आपको एज एन इंश्योरेंस एडवाइजर अगर आपको MDRT करनी है, तो आपको पूरे साल में विद इन अ कैलेंडर ईयर आपको 41,71,500 रुपीज आपको NPR नेपाली रुपीज आपको प्रीमियम लाना होगा। 41,71,500 रुपीज आपको प्रीमियम लाना होगा विद इन अ ईयर, 41 लाख, ओनली 41 लाख। यानी के नेपाल में अगर एक आदमी एक गाड़ी खरीदता है, एक फोर व्हीलर खरीदता है, एक अल्टो, तो उसकी कॉस्ट भी 15-20-25 लाख रुपए होती है। यानी कि अगर आप नेपाल में MDRT के बारे में सोचो तो बहुत लाइट है, बहुत बड़ी कोई अचीवमेंट नहीं है, छोटी सी चीज है, 41 लाख रुपए, 41 लाख रुपीज प्रीमियम लाना है। अगर आप एक बार, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, अगर आप एक बार 41 लाख रुपीज का प्रीमियम लाते हो एक साल, तो आप फर्स्ट ईयर कितना कमीशन लेते हो अपनी कंपनी से, अगर आपने 15 इयर्स का टर्म का पॉलिसी सेल किया तो दैट कंडीशन यू विल गेट 25% इक्वल्स टू 41,71,000 का 25% यू विल गेट 10,42,875 रुपीस फर्स्ट ईयर कमीशन। आई रिपीट, दिस इज ओनली फर्स्ट ईयर कमीशन। आपने इस साल काम किया, 2023 में आपने प्रीमियम सेल किया, पॉलिसी सेल किया, बीमा सेल किया, तो इस साल आपको कमीशन मिला। अगले साल आपने सेल नहीं किया, नेक्स्ट ईयर आपने उस कस्टमर को नहीं बेचा, फिर भी उस कस्टमर से आपको सेकंड ईयर कमीशन मिलेगा सेम प्रीमियम का 15%। दैट्स मीन 6,25,725 रुपीज आपको नेक्स्ट ईयर भी कमीशन मिलेगा। और अगर आपने 15 साल का पॉलिसी बेचा है तो थर्ड ईयर टू टेंथ ईयर कमीशन 5% ऑफ 41 लाख इक्वल्स टू 2 लाख रुपीज एवरी ईयर। 2 लाख रुपीज मल्टीप्लाई बाय 8 इयर्स इक्वल्स टू 16 लाख
68,600 रुपीज आपको कमीशन मिला, यानी कि एक एमडीआरटी आपने देखो आपने अपनी प्रभु लाइफ के बीमा में अगर किसी कस्टमर से मिलके आपने 41 लाख रुपीज का प्रीमियम सेल किया, अगर 41 लाख रुपीज प्रीमियम अगर आपने एक साल में डिपॉजिट किया तो उसके बदले आपकी कंपनी आपको 10 साल में कमीशन 33 लाख देगी। कितना? 33 लाख रुपीज। 1 year MDRT equals to 33 lakh rupees commission, दोस्तों याद रखो। आपको लगता है कि MDRT का मतलब 40 लाख प्रीमियम है, नहीं, सोच बदलो, कहते हैं ना सोच बदलो आपकी मंजिल आपको समझ में आ जाएगी। आपको 41 लाख रुपीस दिखता है, एज अ एमडीआरटी आपको 33 लाख रुपीस देख रहा है कि मैंने एक बार अपने जीवन में एमडीआरटी किया तो उस एमडीआरटी से, एक साल के एमडीआरटी से मुझे 33 लाख रुपए कमीशन मिलेगा। दोस्तों मैं एक ही बात बोलता हूं, कान खोल के सुन लो सब लोग, अपना पूरा जीवन इंश्योरेंस एजेंट बन के मत बिताना, कभी नहीं। 50 साल से एजेंट बन के कोई फायदा नहीं, लास्ट 25 साल से एजेंट कोई मतलब नहीं। अगर इंश्योरेंस एजेंसी करना है ना तो सीरियसली 5 इयर्स करो, 5 साल, सिर्फ 5 साल, 5 साल मद्रे गर्नुस, 6 इयर में रिटायरमेंट किन भन्नु त, 5 साल कंटिन्यूअसली एमडीआरटी गर्नुस, ए हेर्नुस, सिंगल एमडीआरटी को पावर हो 33 लाख, तर 5 वर्ष कंटिन्यूअसली एमडीआरटी गर्नुमा के पावर छ, यहाँ हो पावर। 5 इयर्स कंटिन्यूअसली एमडीआरटी, 1 इयर को कमीशन कति थिए 33 लाख, अन्त 5 इयर्स को कमीशन कति हो 16 लाख, हैन यो 1,66,86,000 माय डियर फ्रेंड, 1,66,00,000 5 वर्ष को इनकम, 5 वर्ष कंटिन्यूअसली एमडीआरटी गर्नुस् तर नेक्स्ट 15 इयर्स मा तपाईको इनकम कति हुन्छ 1,66,00,000 माय डियर फ्रेंड। 5 साल करो, छोड़ दो अपने रीजनल मैनेजर को, 5 साल एमडीआरटी करने के बाद ना एक लेटर लिख के देना, सर आई वांट टू रिजाइन बिकॉज आई हैव टू एंजॉय माय मनी फर्स्ट, मैंने 1 करोड़ कमाया, मुझे एंजॉय करने का टाइम चाहिए, मुझे करना नहीं है काम। प्रॉब्लम क्या मालूम है? हमारे पास पैसे नहीं है, एंजॉय करते हैं, पैसा हो तब एंजॉय करो ना। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, पावर ऑफ 5 कंसेक्यूटिव एमडीआरटीज। आगे मैं बात करता हूं सक्सेस। सक्सेस का मतलब क्या होता है? सक्सेस का मतलब होता है ट्रांसफॉर्मिंग फ्रॉम ऑर्डिनरी टू ग्रेट। अगर आपको सफलता चाहिए इंश्योरेंस एजेंसी में तो अपने आप को बदलना पड़ेगा। अहिले को मान्छे सफल है ना, तर सफलता को लागि तपाईको आफ्नो भित्रमा चेन्ज गर्नुपर्छ। के चेन्जिङ? सफलताको सफल हुनको लागि, आई रिपीट, सफल हुनको लागि तपाईकोमा ट्रान्सफर्मिंग ट्रान्सफर्मेशन चाहिन्छ। ट्रान्सफर्मेशन मतलब ऑर्डिनरी देखिन ग्रेट सम्म जानुपर्छ तपाईले, ऑर्डिनरी देखिन ग्रेट सम्म। ऑर्डिनरी मीन्स कुनै कामको छैन, याद रखो, ऑर्डिनरी मतलब कुनै कामको छैन, ग्रेट मतलब वाओ धेरै राम्रो हो, ऑर्डिनरी मतलब मजा छैन यसमा, ग्रेट मतलब आहा तो मजा हो। ग्रेट, अगर आपको सफलता चाहिए तो आपको ग्रेट बनना पड़ेगा। और ग्रेट का मतलब क्या मालूम है? ग्रेट जो वर्ड है ना, ये अपने आप में महान है। ग्रेट लाइ हमें लाइक बनचू महान, महान को मतलब क्या हो? ग्रेट, ग्रेट अपने आप में महान है। अब मैं एक सवाल पूछूंगा, वुड यू लाइक टू बी ग्रेट, यस और नो? जोर से सब लोग अपने घर पे जोर से बोलो, सब लोग यस बोलो, वुड यू लाइक टू बी ग्रेट, यस और नो? जोर से बोलो सब लोग, आपके फैमिली मेंबर को सुनना चाहिए, सब लोग जैसे चिल्लाओ यस बोलो जोर से, ग्रेट बनना, वुड यू लाइक टू बी ग्रेट बनना चाहते हो, यस और नो? मैंने क्या बोला? यू हैव टू डिसाइड, बोलो बोलो, यस यस, आईफोन एच फोन जेड फोन जो भी है सब बोलो, यस घर में बोलो, जिस तरह मैं चिल्ला रहा हूं ना अपने स्टूडियो में वैसे आप भी चिल्लाओ यस बोलो, हाँ जल्दी जल्दी यस बोलो। याद रखो दुनिया में एक बात दोस्तों, सब लोग सफल और असफल लोगों के बीच में एक छोटा सा वर्ड होता है, वो होता है यस एंड नो। जो अपने जीवन में हर बार यस बोलते हैं उनको प्रॉब्लम होता है, बट थोड़े टाइम के लिए, बाद में वो प्रॉब्लम नहीं होता है। लेकिन जो लोग अपने जीवन में नो बोलने वाले होते हैं ना, नो नो नो, उनको पूरे जीवन प्रॉब्लम होता है। इसलिए यस बोलने की आदत डालो। जब भी आपका रीजनल मैनेजर पूछे, सर हजुर हमरो प्रभु लाइफ को एउटा न्यू स्कीम आको छ, के हो सर स्कीम,
दस वडा पॉलिसी गर्नुपछि यो स्किममा यो बेनिफिट हुन्छ, तपाईँ चाहिँ गर्नुहोस् न, गर्नुहुन्छ सर? बोलो यस, क्या बोलो यस। हम लोग क्या बोलते हैं, सर यो तो ठीक हो के, अस्ति मेरो त्यो प्रब्लम भएको थिए, अस्ति मेरो कस्टमर को यो प्रब्लम, उसको यो डकुमेन्ट्स कहीं भेटेन सर, यो चाहिँ हुँदैन, यस्तो हुँदैन। याद रखो, सफलता उन्हीं को मिलती है जो यस बोलने वाले होते हैं। नो बोलने वाले लोगों को कभी सफलता नहीं मिलती। जब भी लाइफ में कुछ भी हो, कभी भी कुछ भी हो, यस बोलने की आदत डालो। वुड यू लाइक टू बी ग्रेट? यस, जोर से बोलो यस, घर पे बोलो यस, सब लोग यस। दोस्तों याद रखिए, ग्रेट जो है ना, ग्रेट, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है ये जो ग्रेट वर्ड है, ये पांच अल्फाबेट का मिक्सचर होता है, मिक्सअप, GREANT। और ये पांचों अल्फाबेट अपने आप में एक इंडिविजुअल एक सेंटेंस है, इंडिविजुअल एक रिजल्ट है, इंडिविजुअल एक पूरा का पूरा लॉजिक है। जी तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज जी। जी का मतलब याद रखो, बहुत जल्दी बोलूंगा, फास्ट बोलूंगा, समझ में आया तो समझ में आएगा। जी, सफल होने के लिए सबसे पहले जी पैदा करना होता है, और जी का मतलब होता है ग्रीड। सफलता उन्हीं को मिलती है जो लोग लालची होते हैं, जो लोग लोभी होते हैं, जिनके अंदर ना भूख होता है। जो भूख पैदा करने वाले लोग होते हैं ना, वो सफल होते हैं। अगर थोड़े से खुश हो, सफल नहीं हो सकते हो, थोड़ा और चाहिए, सफलता मिलेगा। इतना मिला, हैप्पी हूं, सेटिस्फाइड हूं, इतना और चाहिए, सेटिस्फेक्शन लेवल वहां जाना चाहिए। ग्रीड, भूख। ग्रीड का मतलब लोभ होता है। डिक्शनरी में ढूंढोगे ना आप लोग, तो आपको लोभ मिलेगा, लालच मिलेगा। बट मेरे ओपिनियन में ग्रीड का मतलब, अगर सफल होना है तो ग्रीडी होना जरूरी है, और ग्रीड का मतलब होता है आपको भूखा होना जरूरी, हंगर होना जरूरी, अंदर से हंगरी फील करना जरूरी। यस सर चाहिए। अभी आपके पास ध्यान से सुनो, अभी आपके पास एक पल्सर, बजाज पल्सर है, कितने का? 3 लाख। आपको एक कार चाहिए, स्विफ्ट डिजायर, बोला यस। अगर आप यस बोलते हो तो सिर्फ वो आपका लोभ है, लेकिन अगर आप उसके पीछे जाते हो, उसको हासिल करना चाहते हो, तो आपका भूख हो जाता है। मैं आपको समझाता हूं, एग्जाम्पल पे समझाता हूं, लालच और भूख में क्या डिफरेंस है। दोस्तों इस बात को समझ जाइए, आपको समझ में आएगा कि जिंदगी में क्या चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको, हमारे एक साथी को, अगर मैं शाम को एक फॉरेस्ट में लेके जाऊं, हमारे नेपाल में कौन सा है फॉरेस्ट? ओ, चितवन नेशनल फॉरेस्ट, राइट। अगर मैं फॉरेस्ट में लेके जाऊं, और एक हमारे साथी को फॉरेस्ट में लेके जाओ इवनिंग 7 PM को, 7 बजे बेल का अंत, 7 बजे उसको हाथ में उठा केला, अगर उसके हाथ में एक बनाना दे दूं और बोलूं इस जंगल में, फॉरेस्ट में आधे घंटे तक रुको और उसको अकेला छोड़ दूं, तो क्या होगा मालूम है? उस आधे घंटे के अंदर एक मंकी आएगा, बांदर। बांदर आए पछी क्या करेगा बांदर? बांदर उसके हाथ से केला लेके जाएगा और पेड़ पे चला जाएगा, उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। क्यों पता है? क्योंकि वो जो बंदर है ना, वो कमजोर है और वो लालची है, उसको सिर्फ केला दिखता है। लेकिन अगर मैं उस आदमी को 3 घंटे तक उस फॉरेस्ट में छोड़ दूं केले के साथ, तो पता है क्या होगा? रात को 10 बजे टाइगर आएगा और टाइगर उसके हाथ से केले को साइड करेगा और उस आदमी को उठा के लेके जाएगा। क्यों पता है? क्योंकि वो जो टाइगर है ना, वो भूखा है, वो लालची नहीं है। क्यों? याद रखिएगा, कमजोर लोगों के जीवन में लालच होता है, ताकतवर लोग भूख पैदा करते हैं। समझ में आया तो बोलो यस। जो लोग कमजोर होते हैं ना, वीक होते हैं ना, उनको छोटी छोटी चीजें दिखती है। जो लोग पावरफुल होते हैं ना, उनको बड़ी चीजों को हासिल करना होता है। दोस्तों 10 मिनट का टाइम है, जल्दी से मैं आपको बताना चाहूंगा, ग्रीड, ग्रीड के बाद होता है जी, के बाद होता है द इंपॉर्टेंट थिंग, जी के बाद आर। आर भूख होने से नहीं होता है दोस्तों, ग्रीड के बाद आपको रिजल्ट लाना पड़ेगा। आई रिपीट, ग्रीड के बाद क्या लाना है? ग्रीड के बाद अगर आपको, अगर लाइफ में कुछ अच्छा करना है, तो आपको रिजल्ट लाना पड़ेगा, आपको रिजल्ट के लिए काम करना पड़ेगा। अगर आपको ग्रीड के बाद, अगर आपको सफल होना है, भूख के बाद अगर कुछ इंसान को चाहिए तो रिजल्ट चाहिए। मुझे चाहिए तो रिजल्ट तो लाओ। तुमको MDRT बनना है तो बीमा तो बेचो, रोज 2 बीमा बेचो, 3 बीमा बेचो, 2 लाख बेचो, 4 लाख बेचो, 5 लाख का प्रीमियम लाओ, लेकिन लाओ तो सही। विदाउट रिजल्ट सफल होना पॉसिबल नहीं है। एंड थर्ड, GRE, और ई का मतलब होता है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, एंडलेस होप। कभी भी उम्मीद खत्म मत करो, मैं हमेशा बोलता हूं, नेवर एंड योर होप,
बिकॉज इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक होपलेस एंड के साथ काम करते हैं और दूसरा एंडलेस होप के साथ काम करते हैं, एक जिनका उम्मीद कभी भी खत्म हो सकता है और दूसरा जिनका उम्मीद कभी खत्म नहीं हो सकता है। आज फागुन का महीना है, आपका फाइनेंशियल ईयर जून जुलाई में खत्म होगा, अपना एक टारगेट बनाओ कि मुझे जून जुलाई फाइनेंशियल ईयर में अपने रीजन का नंबर वन एजेंट बनना है, और अगर 9 महीना निकल गया, 3 महीना मेरे पास है, 3 मंथ ओनली, तो इस 3 मंथ में मुझे कुछ अच्छा करना है। अगर आपको लगता है कि मुझे नेपाल आना चाहिए आपसे मिलने के लिए, मैं आऊंगा। आपके सीईओ सर को, आपके जेडम सर को, आपके डीजीएम सर को बोलो, सर विजय कुमार झा को बुलाओ, मैं आऊंगा। लेकिन मैं आपको बताऊंगा, और जब मैं दोबारा आऊंगा ना, उस दिन मैं आपको बताऊंगा कि प्लान कैसे बेचा जाता है, आपके प्लान को स्टडी करके आपको समझाऊंगा। एंडलेस होप, उम्मीद खत्म मत करो, एक दिन में मैजिक होता है, एक दिन में। आपको मालूम है, रिसेंटली, आपको शायद, आप लोग क्रिकेट फैन होंगे, क्रिकेट देखते होंगे, याद रखिए, क्रिकेट का एक अभी कुछ दिन, 2 दिन पहले एक नया एक स्टैट आया, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड का मैच था, 5 दिनों का टेस्ट मैच, दोनों टीमें एक दूसरे से लड़ाई कर रही हैं, और न्यूजीलैंड, आप लोग जो क्रिकेट समझते होंगे, आप लोगों को बता दूं, न्यूजीलैंड फॉलो ऑन में खेल रहा है, क्योंकि न्यूजीलैंड ने इतना रन बनाया कि इंग्लैंड की टीम ने बोला दोबारा बैटिंग कर, तुझे को हराना है, और इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को फॉलो ऑन दिया, और न्यूजीलैंड फिर से दोबारा बैटिंग करने आई, और विलियमसन से लेकर सबने इतना हार्डवर्क किया, सेंचुरी लगाया, इतना मेहनत किया कि न्यूजीलैंड ने एक टारगेट सेट किया 200+ रन का, और इंग्लैंड को बोला इतना टारगेट तू चेस कर, तू जीत जाएगा। जब इंग्लैंड की टीम बैटिंग करने आई ना, न्यूजीलैंड ने पूरा जान लगा दिया, ऐसा जबरदस्त बॉलिंग किया, लोगों ने बोला कि न्यूजीलैंड नहीं जीत पाएगी, इंग्लैंड जीतेगी, और न्यूजीलैंड ने इतना ताकत लगाया, इतिहास गवाह है, पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई टीम, न्यूजीलैंड पहली बार अपने जीवन में 1 रन से टेस्ट मैच जीती है, 1 रन, सिर्फ 1 रन। अगर 1 रन हो जाता ना, तो इंग्लैंड जीत जाती, टेस्ट मैच, 5 दिन का टेस्ट मैच 1 रन से डिसाइड हुआ है। आप लोग फुटबॉल देखते हो, नेपाल में सब लोग फुटबॉल के फैन थे, मैं देख रहा था, नेपाल के सारे एजेंट मुझे भी मैसेज करते थे, सर आजू को जीत छ, आजू को मैच अर्जेंटीना को, आजू को मैच इंग्लैंड को, आजू को मैच फ्रांस को, मापे जीत छ के मेसी जीत छ। एक बात याद रखो, अर्जेंटीना का स्टार फुटबॉलर लियोनल मेसी रिटायर हो चुका था, गवर्नमेंट ने बोला नहीं तू खेल, बोला खेल तू, बोला नहीं सर, बोला खेलना पड़ेगा, तेरे को ट्रॉफी चाहिए, खेलना पड़ेगा। उसने बोला मैं सब कुछ जीता हूं, मैंने पिछले 2 साल पहले मैंने यहाँ पे अफ्रीका का जो कप होता है ना, उस कप को भी जीता, उस कप, कोपा अमेरिका। लोगों ने बोला, अर्जेंटीना के पूरे जनता ने बोला, कोपा अमेरिका जीतने से नहीं, वर्ल्ड कप भी जीतना पड़ेगा मेसी, तुझे खेलना पड़ेगा। मेसी ने बोला ठीक है, सीनियर पर्सन टीम में आया, टीम को लीड किया और वर्ल्ड कप फाइनल जीत के गया। आप देखते हो कि नहीं देखते हो, देखा कि नहीं देखा, क्यों? बिकॉज वो एंडलेस होप है, उम्मीद खत्म मत करो, एक दिन में कुछ भी हो सकता है, बस मेहनत जारी रखो, लगातार लोगों से मिलते रहो दोस्तों, एंडलेस होप। एंड थर्ड पॉइंट, ई के बाद आता है, ध्यान से सुनो, GRE एंड ई के बाद आता है ए, एटीट्यूड। एटीट्यूड शुड बी पॉजिटिव, एटीट्यूड शुड बी फ्रूटफुल, एटीट्यूड शुड बी ग्रेट, एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए। हमारा एटीट्यूड क्या है? हमारा एटीट्यूड प्रॉब्लम है। इंश्योरेंस एजेंट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम उसका एटीट्यूड है। एक बार कस्टमर ने बोल दिया ना, ए तपाईको यो प्लान चाहिँ मलाई राम्रो मन पर्दैन, तपाई डेली डेली किन फोन गर्नुहुन्छ, म चाहिँ अफिसमा छु सर, अलिकति बुझ्नुहोस् न, यस्तो यस्तो डेली डेली फोन गरेपछि मलाई पनि डिस्टर्ब आयो, यस्तो हुन्छ। हमारा एटीट्यूड बोलता है, नो आई डोंट कॉल हिम एनी मोर बिकॉज इसने मुझे ऐसा बोला। मेरा खुद का पर्सनैलिटी है, मेरा खुद का एक बिहेवियर है, मेरा खुद का एक ब्रांड है। याद रखो सर, इंश्योरेंस एजेंसी में एजेंट को कभी भी एटीट्यूड फील नहीं करना चाहिए। एटीट्यूड फील होना चाहिए तो ग्रेट एटीट्यूड, पॉजिटिव। कस्टमर बोले ना सर आज नहीं कल, जाओ ना कल मिलने, वो एटीट्यूड होना चाहिए। कस्टमर बोले सर नेक्स्ट मंथ जाओ मिलने, वो एटीट्यूड होना चाहिए। एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। एंड लास्ट पॉइंट, GRE और ए के बाद होता है दोस्तों टी। टी का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है नेपाल में। आज इंडिया इतना अच्छा क्यों कर रही है, आज इंडिया के एजेंट्स इतना अच्छा क्यों कर रहे हैं, आज इंडिया में, आपको मालूम है, इंडिया LIC ऑफ इंडिया, जिसके बारे में बात करना जरूरी है क्योंकि मैं LIC का एम्प्लॉय हूँ, LIC मीन्स LIC को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मुझे मालूम है LIC भारतीय जीवन बीमा निगम, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया नंबर वन क्यों है, इसका कारण है, इसलिए नंबर वन है क्योंकि यहाँ के एजेंट्स टी पे ध्यान देते हैं, और टी का मतलब होता है दोस्तों ट्रेनिंग। नेपाल का प्रॉब्लम क्या पता है, नेपाल में लोगों को ट्रेनिंग चाहिए, फ्री में चाहिए, पैसा नहीं देना है, कंपनी लाए, ट्रेनर लाए, बोला
कम्पनीलाई खाना खाजा पनि राम्रो धेरै राम्रो फाइभ स्टार होटलमा म्यानेज गर्छ, हामीलाई हाम्रो जानु जानुको लागि आउनुको लागि फेयर पनि सबै कम्पनीलाई पे गर्छ, सबै कम्पनीलाई तिर्छ। मेरो काम चाहिँ के हो, म चेयरमा यस्तो ज्याकेट लगाएर यस्तो सुट लगाएर बसौँ अनि ट्रेनरलाई हेरौँ, खाजा खाएर घर आएर सुत्नु बस। एक एजेंट मैं देखा हूं, गारंटी के साथ बोलता हूं, नेपाल का एक एजेंट अपने जेब से पैसा डाल के अपने आप को डेवलप नहीं करता है। कंपनी बुलाएगा ट्रेनर तो ही, जाओ ना यार ट्रेनिंग लेने, जाओ किधर भी किधर भी। दोस्तों याद रखो, जिस दिन एक इंश्योरेंस एजेंट अपने जेब से पैसा डाल के ट्रेनिंग लेना चाहता है ना, ट्रेनिंग लेना शुरू करता है, उस दिन से उसके बिजनेस में बरकत होता है, उस दिन उसके बिजनेस में बढ़ोतरी होती है। खुद इन्वेस्टमेंट करो। नहीं यार तुम्हारा बीमा नहीं बिकता है ना, बीमा क्यों नहीं बिकता है सीखो, किसी भी ट्रेनर से मुझसे सीखो, मैं ऑनलाइन करता हूं, मैं सिखाऊंगा। अपनी कंपनी को बोलो सर मेरा एक कोर्स बना दो, मैं आऊंगा आपके ट्रेनिंग में। ट्रेनिंग चाहिए, क्या चाहिए सर? ट्रेनिंग, बिकॉज आपके डीजीएम सर ने पहले बताया था, मोर लर्निंग इट बिकम्स मोर अर्निंग। ट्रेनिंग, ट्रेनिंग का मतलब क्या पता है? ट्रेनिंग मीन्स अर्निंग। जब आप कभी भी शावर के नीचे, बाथरूम में शावर के नीचे शावर को स्टार्ट करके आप बोलोगे ना ट्रेनिंग, तो ट्रेनिंग ना लोग नहीं सुनते हैं, उसके बदले लोगों को सुनाई देता है अर्निंग। याद रखो ट्रेनिंग। दोस्तों जाने से पहले पांच पॉइंट याद रखो, यू कैन हैव ओनली वन पी एट अ सेम टाइम। ध्यान से सुनिए, एक इंश्योरेंस एडवाइजर के जीवन में एक समय पे एक ही चीज हो सकता है, वो है या तो पी से प्रॉब्लम हो सकता है या तो पी से पॉलिसी हो सकता है। अगर आपके पास आज प्रॉब्लम है इसका मतलब है पॉलिसी नहीं है, और अगर आज पॉलिसी है तो इसका मतलब आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं। जिस एजेंट के पास पॉलिसी है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, मार्केट से प्रॉब्लम नहीं, कंपनी से प्रॉब्लम नहीं, पॉलिसी से प्रॉब्लम नहीं, प्रोडक्ट से प्रॉब्लम, उसको कुछ भी दे दो साला सब बेचता है, कुछ भी दे दो, कोई भी प्लान दे दो बेच लेता है। क्यों? उसको प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? उसके पास पॉलिसी है। आपके पास पॉलिसी नहीं है, पिछले 20 दिनों में एक बीमा भी नहीं बिका है, तो इसका मतलब प्रॉब्लम है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो? ये दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकती है भाई साहब। सुनो सबे जना, दीदी दाई, हमारे जितने लोग हैं सबको मैं एक बात समझाता हूं। इंसान के लाइफ में अगर आप एजेंट हो, इंश्योरेंस एजेंट, तो आपके लाइफ में ये दोनों चीजें एक साथ नहीं रह सकती है। या तो पी से प्रॉब्लम रहेगा या तो पी से पॉलिसी रहेगा। समझ में आ रहा है तो लिखो यस जल्दी से चैट पे फास्ट। अब बताओ आपको क्या चाहिए, आपके लाइफ में आपको प्रॉब्लम चाहिए या पॉलिसी चाहिए? जो चाहिए उसके ऊपर फोकस करो ना। पॉलिसी चाहिए, पॉलिसी के ऊपर फोकस करो, प्रॉब्लम के ऊपर फोकस मत करो। प्रॉब्लम रूल है, वो बोलते हैं ना इंसान का जन्म लेना और मरना रूल है, वैसे ही इंश्योरेंस के धंधे में पॉलिसी नहीं होना, प्रॉब्लम होना भी एक रूल है, विधि का विधान है भाई। आप कितना भी जाओ पशुपतिनाथ में जाके पूजा करके आओ, फिर भी अगले दिन आपको इंश्योरेंस धंधे में प्रॉब्लम हो गई। भगवान भोलेनाथ को ही पता है कि तू जिस धंधे में, उस धंधे में प्रॉब्लम के बिना कुछ नहीं। लेकिन फोकस कहाँ होना चाहिए? पॉलिसी में। प्रॉब्लम पे फोकस होना नहीं चाहिए। दोस्तों आगे जाने से पहले पांच पॉइंट सिखा के जाऊंगा, ध्यान से देखिएगा, पांच पॉइंट सिखा के जाऊंगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, हाउ टू अचीव एमडीआरटी। सबसे पहले एमडीआरटी अगर आपको अचीव करना है तो एमडीआरटी अचीव करने के लिए आपको एक पिरामिड वर्क काम करना पड़ेगा। पिरामिड, इसको मैं बोलता हूँ सक्सेस पिरामिड। सबसे पहले एक पिरामिड एक होता है जो आपने देखा होगा ना, इजिप्ट मिस्र में पिरामिड, तो इजिप्ट में पिरामिड जो एक स्ट्रक्चर होती है, उसी तरह से एमडीआरटी स्ट्रक्चर पिरामिड स्ट्रक्चर होता है। अगर आपको एमडीआरटी अचीव करना है, लाइफ में कुछ भी अचीव करना है, तो सबसे पहले एक पिरामिड आपको फॉर्म करना पड़ेगा। पिरामिड का सबसे टॉप फ्लोर पे आता है प्लानिंग। सबसे पहले आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, व्हेन, टिल व्हेन, कब, कब तक। प्लानिंग, विदाउट प्लानिंग Nothing is possible. You have to plan first कि मुझे करना क्या है, प्रीमियम कितना लाना है, कहां कहां से लाना है, मुझे यहां से इतना, यहां से इतना, यहां से इतना, यहां से इतना लाना है, प्लानिंग करना पड़ेगा। सेकेंड, पर्सिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी। प्लान करने से नहीं होता, प्लान तो भाई साहब हम तो अंबानी बनने का प्लान कर ले अपने पेपर पे। आप तो यहाँ बहुत सारे ऐसे भी हमारे एजेंट फ्रेंड्स होंगे जो सोचते होंगे वाह मैं भी कभी प्रभु लाइफ का सीईओ बन सकता हूँ क्या, मैं भी कभी नेपाल लाइफ का सीईओ बन सकता हूं क्या। प्लानिंग तो हम सब करते हैं, क्या मैं कभी नेपाल का प्राइम मिनिस्टर बन सकता हूं क्या, दैट इज ओनली प्लानिंग। लेकिन प्लानिंग से सफल नहीं हो सकते, परसिस्टेंसी दिखानी पड़ती है, आपको संकल्प लेना पड़ेगा, हौसला, आपको उसके ऊपर लगे रहना पड़ेगा, लगे रहना पड़ेगा। याद रखो
एक वो जो होता है ना तलवार बनाने वाला, फुकरी बनाने वाला, वो एक लोहे को उठाता है इतना, उसको तब तक गर्म करता है, तब तक उसको पीटता है, जब तक गर्म करता है, एक बार नहीं हजार बार गर्म करके उसको पीटता है, पीटता है, पीटता है, पीटता है। क्यों? उसने प्लान कर लिया कि इस लोहे के टुकड़े को मुझे खुकरी बनाना है स्ट्रांग, और उसके बाद उसको पीटते जाता है, पीटते जाता है, संकल्प ले लिया कि बना के रखूंगा। और वो भले उस एक खुकरी को 10 दिन में बनाए, लेकिन बना के रखता है। तलवार को बनाना है तो बना के रखता है। एक गोल्ड ज्वेलरी का, ज्वेलरी बनाने वाला ना, एक लोहे एक सोने के टुकड़े को उठाता है ऐसा, एक बिस्किट, उस बिस्किट को वो गर्म करता है, उसको पिघलाता है, फिर उसके बाद उसको शेप में डालता है, उसको ऐसा 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 10 दिन तक लगातार ऐसे करके नर्चर करता है, तब जाके वो आपके नाक का इतना छोटा सा एक वो बनता है। परसिस्टेंसी दिखानी पड़ेगी। छोटी से छोटी चीज को भी सफलता पूर्वक हासिल करने के लिए परसिस्टेंसी दिखानी पड़ती है, संकल्प लेना पड़ता है। तीसरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस भी अच्छा होना चाहिए। आप सिर्फ बोलोगे कि सर सर आई वांट टू बिकम सक्सेसफुल एमडीआरटी, प्लानिंग बना लिया है सर, इस साल तो धमाका करूंगा, परफॉर्मेंस नहीं है, मतलब क्या है? परफॉर्मेंस भी तो लाओ। According to your plan, you have to perform also. Plan जितना किया, performance भी उतनी लाओ। और persistency जो है ना, वो बीच में continue होती है। दोस्तों, ध्यान से सुनिए, master stroke for MDRT, मैं आपको बता दूं, MDRT करने के लिए master stroke, कैसे MDRT करोगे, ये मैं आपको बता के जाऊं, 5 points बताऊंगा, 5 rules to become successful in insurance agency, सब लोग लिख लीजिए जल्दी से, लास्ट प्रेजेंटेशन पे हूं, 5 मिनट में फिनिश करने वाला हूं, लास्ट प्रेजेंटेशन पे हूं, सभी लोग जल्दी से लिख लीजिए, 5 rules to become successful in insurance agency, 5 rules to become successful, 5 बड़ा rule, सफल होने का लागी 5 बड़ा, सफल होने का लागी 5 बड़ा rules of insurance agency, कौसरी यो इंश्योरेंस एजेंसी मा सफल होने सकछु, 5 बड़ा रूल। रूल नंबर 1, वेरी इंपॉर्टेंट, एंड नाउ आई एम गोइंग टू डिलीवर माय फर्स्ट रूल टू बिकम सक्सेसफुल फॉर ऑल ऑफ यू, फॉर ऑल एजेंट्स ऑफ प्रभु लाइफ। सी, रूल नंबर 1, मीट लॉट्स ऑफ पीपल, आस्क मैक्सिमम प्रीमियम। आई रिपीट, मीट लॉट्स ऑफ पीपल एंड आस्क मैक्सिमम प्रीमियम, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलो और ज्यादा से ज्यादा प्रीमियम मांगो। एक दिन में 2 लोगों को मिलते हो, 10 लोगों को मिलो, रूल यही है। रूल नंबर 1, जितना मिलोगे, मैंने बोला ना, मिलना होगा और मांगना होगा। आई रिपीट, ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलो और ज्यादा से ज्यादा इतना प्रीमियम मांगो उससे कि वो टेंशन में आ जाए, बस कहानी खत्म। जिस दिन एक इंश्योरेंस एजेंट कस्टमर के घर पे जाके ये बोल देना, सर 10 लाख प्रीमियम है, सर 20 लाख प्रीमियम है, सर मेरे से बीमा लेने के लिए 50 लाख प्रीमियम लगेगा, समझ जाओ कि वो एजेंट टॉप हो गया है। हमारा प्रॉब्लम क्या मालूम है? हम कस्टमर के घर पे जाते हैं, उसके घर पे जाके उसके घर को देखते हैं, धरे राम रो घर, उसको सर यो घर कैले बनाउनु भयो, 3 वर्ष भयो, हजुर हजुर 3 वर्ष, कति खर्च भयो, 5 करोड, ए हो 5 करोड़, ल सर तपाईँको छोरी कुन चाहिँ स्कुलमा एडमिसन भएको छ, यो स्कुलमा, यो स्कुलको फिस त धेरै बेसी होला, हजुर हजुर, कति, 50,000 मन्थली, ए उसके बाद एजेन्ट सोच्ता है इसका ऑलरेडी खर्चा हुआ है, पैसे तो होंगे नहीं, सर हाम्रो एउटा पॉलिसी लियानु न सर, कति हो प्रीमियम इसको, सर तपाईको प्रीमियम 50,000 मात्रै हो सालको। कस्टमर को देख के हम लोग सोचते हैं कि ये देगा नहीं देगा, याद रखो, हमेशा याद रखो, एक एजेंट होने के नाते आपका पहला रूल है, उससे जितना ज्यादा मांग सको मांगो, कम तो वो खुद ही करेगा, आपके पास दम होना चाहिए ज्यादा मांगने का, ज्यादा लोगों से मिलो और ज्यादा प्रीमियम मांगो। जिस जब एजेंट को मालूम है ये कस्टमर 10 लाख दे सकता है, वो 50 लाख मांगे, क्या पता 20 लाख पे मैटर सेट हो जाए, लेकिन 10 लाख मांगोगे तो 3 लाख पे मैटर सेट होगा, इसलिए ज्यादा मांगने की आदत डालो। और एक बात याद रखो, जो छोटा एजेंट होता है ना, वो हमेशा छोटा मांगता है, लोगों को मालूम है कि जो एजेंट ज्यादा मांग रहा है, हो सकता है वो बड़ा एजेंट हो। एक बात समझो, सुनो एक बात, आपके अगर मान लो मर्डर चार्जेस है, आपके ऊपर मर्डर चार्ज है, काठमांडू में आपको मर्डर चार्ज पे अरेस्ट किया गया है, अब सबको मालूम है कि तुमने मर्डर किया है, आपके फैमिली वाले बेस्ट एडवोकेट हायर करेंगे, करेंगे या नहीं? अब जो बेस्ट एडवोकेट है उसको मालूम है कि मर्डर चार्ज है, तो वो अपना बेस्ट फीस भी आपको बताएगा, वो क्या बोलेगा, बेस्ट एडवोकेट क्या बोलेगा, मेरी फीस 25 लाख रुपए पर हेयरिंग है। आपको मालूम है
कि ये ज्यादा फीस मांग रहा है, इसका मतलब ये एडवोकेट भी बड़ा है। इसी तरह इंश्योरेंस में एक लॉजिक, एक साइकोलॉजी इंपैक्ट होता है कि जब एजेंट ज्यादा प्रीमियम मांगता है ना, तो कस्टमर को ये फील होने लगता है कि ये एजेंट ज्यादा बड़ा है। दूसरे लोग आते थे 25,000 रुपया मांगते थे, ये आ रहा है 25 लाख मांग रहा है, यानी कि ये बड़ा क्वालिटी का एजेंट है। तो उसके बाद उसको ये ट्रीट करते, बड़े की तरह ट्रीट करते, आपको चाय पूछा जाएगा, आपको कॉफी पूछा जाएगा। लेकिन जब आप छोटा प्रीमियम मांगोगे ना, आपको नमस्ते फेरी भेटोला बोल दिया जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ऑलवेज आस्क मैक्सिमम प्रीमियम। पॉइंट नंबर टू लिखिए, रूल नंबर टू, नेवर मीट विथ एम्प्टी हैंड। आई रिपीट, नेवर मीट विथ एम्प्टी हैंड। कहिले पनि खाली हाथ कस्टमर लाई नभेट्नु, कहिले पनि खाली हाथ नभेट्नु। ऑलवेज कीप समथिंग व्हेन यू मीट योर क्लाइंट। हमेशा कुछ न कुछ अपने पास रखो जब आप कस्टमर से मिलते हो, कुछ तो उसको दे दो। क्योंकि रूल ये कहता है कि अगर तुम खाली हाथ उससे मिलोगे तो तुमको खाली हाथ वापस आना पड़ेगा। कुछ भी लेके मिलोगे तो कुछ तो लेके आओगे। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? कस्टमर बोलता है मेरे घर में आता है, मेरा ही चाय पीता है, मेरे को ही डायलॉग सुनाता है, मेरा ही फैन का हवा खाता है, मेरे घर में एसी में बैठता है, मुझे ही बीमा बताता है, मुझसे पैसा लेके जाता है। तूने क्या दिया भाई, तूने क्या दिया? तो कभी भी कस्टमर के घर पे जाओ ना सर, कभी भी, तो कुछ ना कुछ लेके जाओ। एटलीस्ट एक 100 रुपीज का कैडबरी डेयरी मिल्क लेके जाओ, एक 200 रुपीज का एक कुछ गिफ्ट लेके जाओ, 500 रुपीज का गिफ्ट लेके जाओ, एक फूल का बुके लेके जाओ, कुछ तो लेके जाओ। लेके जाओगे तो वापस लेके आओगे, नहीं लेके जाओगे तो कुछ लेके नहीं आओगे। रूल नंबर टू। नाउ रूल नंबर थ्री, लेट देम टॉक फर्स्ट, ऑब्जर्व देन गिव देम सॉल्यूशन विथ योर प्रोडक्ट। इंश्योरेंस एजेंट का प्रॉब्लम क्या मालूम है? जैसे वो कस्टमर के घर पे जाता ना, वो रेडियो होता ना, रेडियो FM टैक लगाया, चालू हो गया। हजुर सर धेरै राम्रो, सर हाम्रो म प्रभु लाइफमा काम गर्छु के, प्रभु लाइफको धेरै राम्रो राम्रो खालको बिमा हो सर। तपाईँको एज कति हो सर? तपाईँको मिसेजको एज कति हो सर? सर छोरा छोरीको के नाम हो सर? सर ये के? मत बोल न भाई, तू बैठ ना उसके घर पे जाके 10 मिनट चुपचाप से, जाते ही बोल सर सर कॉफी मिलेगा क्या, सर चाय मिलेगा क्या, सर सर पानी मिलेगा? बैठ 10 मिनट आराम कर, वेट कर, उसको पूछ सर कैसे हो, पूछ प्यार से पूछो सर हाउ आर यू सर, अन्त सर सन्चै हुनुहुन्छ, तपाईँको काम कस्तो चल्दैछ, कस्तो हो? वो खुद बोलेगा, खुद अपनी प्रॉब्लम बताएगा तुझे भाई, खुद बताएगा प्रॉब्लम। जब वो तुझे अपना प्रॉब्लम बताएगा, पहले उसको सुन, पहले ऑब्जर्व कर, देन उसके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अपने इंश्योरेंस प्रोडक्ट से दे। जब प्रॉब्लम बड़ा होगा ना तो सॉल्यूशन बड़ा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब आदमी तुमसे अपनी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम के बारे में बात करेगा तो उसका सॉल्यूशन भी बड़ी बड़ी बीमा से दे सकते हो। लेट देम टॉक, डोंट टॉक, आप बात मत करो। आपको लगता है 10 मिनट बात करूंगा, 10 मिनट का टाइम दिया है वो भाई साहब। पता है इंडिया में लोग क्या करते हैं? बहुत सारे ऐसे एजेंट है मेरे स्टूडेंट जो 20 मिनट का अपॉइंटमेंट लेते हैं, 15 मिनट कस्टमर बोलता है, 5 मिनट खुद पॉलिसी बेच के निकल जाता है। क्यों? 15 मिनट में वो समझ जाता है कि इस आदमी को क्या जरूरत है, और उस 5 मिनट में सॉल्यूशन देके उसको बीमा सेल करके, प्रपोजल साइन करके, चेक लेके आ जाता है। गिव देम सॉल्यूशन विथ योर प्रोडक्ट, फर्स्ट ऑब्जर्व देम। पॉइंट नंबर, रूल नंबर फोर लिखिए, इफ वन पॉलिसी क्लोज्ड, डोंट हेजिटेट टू आस्क फॉर सेकंड वन। अगर एक पॉलिसी बेच लिया ना, तो जैसे पॉलिसी बेचा, जैसे चेक लिया, जैसे कैश लिया, जैसे पेमेंट लिया, पेमेंट को बैग में डालो और दूसरा बीमा फिर से मांग लो। सर तपाईको पॉलिसी तो भए, कंग्रेचुलेशन हजुरले। मैडम को के हो सर? मैडम को लागि एउटा पॉलिसी निम्न पूछो, क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा ना बोलेगा, ऐसे भी वो ना बोलता, ऐसे भी हो सकता है आपने एक पॉलिसी बेचा, उसके मिसेज के लिए पॉलिसी मांगो, मिसेज भी इंटरेस्टेड हो किचन में, किचन से भाग के आके बोले सर मेरो पनि एउटा पॉलिसी खोल दिनु ना, स्टार्ट कर दिनु, उसके वाइफ के लिए उसके करना पड़ेगा। हम क्या करते मालूम है? जैसे पॉलिसी सेल होता है, बैग उठाते हैं, जिप लॉक करते हैं और सीधा भाग जाते हैं। क्यों? डर बोलते हूं उसको, डर। उसको एजेंट को डर होता है कि एक पॉलिसी बिक गया, अभी 10 मिनट बैठूंगा, इसका मूड चेंज हो गया तो साला वापस मुझे ये ना बोल दे कि सर ये चेक वापस कर दो, 2 दिन बाद में फिर सोच के बताऊंगा। वो तुरंत वहां जाना चाहता है। मैंने देखा है 99% एजेंट्स के माइंड में ये रहता है कि मैंने पॉलिसी क्लोज करने के बाद में ज्यादा टाइम स्पेंड किया तो मे बी कस्टमर का माइंड चेंज हो सकता है। वो बोलता है चांस नहीं लेने का भाई, पॉलिसी एक हो गया, 2 लाख रुपए आ गया तो निकल जाए इसके घर से। दोस्तों हेजिटेट मत करो, दूसरा पॉलिसी मांगो, हो सकता है, हो सकता है। रूल नंबर 5, लास्ट पॉइंट, रूल नंबर 5, इन्वेस्ट इन योर बिजनेस, बिल्ड योर ओन ब्रांड।
इंश्योरेंस एजेंसी में काम करने का पहला रूल है अपने बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करो। इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस का मतलब है अपने आप में इन्वेस्ट करो। जितना बढ़िया सूट हो खरीदो, जितना बढ़िया शू हो खरीदो, जितना बढ़िया बैग हो खरीदो, जितना अच्छा विजिटिंग कार्ड हो बनाओ, जितनी अच्छी मोबाइल फोन हो अपने हाथ में रखो। आप जितना बेहतरीन दिखोगे उतना ही इन्वेस्टमेंट आप में लोग ज्यादा करेंगे। अपनी ब्रांड बनाओ, ब्रांड बनाओ। आपके पूरे एरिया में ना एक ही नाम होना चाहिए, एक ही नाम, और वो नाम है, अरे यो हजर को हो यो एलआईसी है, यो प्रभु लाइफ को एजेंट के नाम हो उसको, के नाम हो, संजीव खड़का, संजीव खड़का, ऐसा होना चाहिए। आपके पूरे गांव में ना बोर्ड लगना चाहिए, बोर्ड लगना चाहिए, एक एक जगह पे बोर्ड होना चाहिए, प्रभु लाइफ वेलकम्स यू, प्रभु लाइफ कॉन्ग्रेचुलेट्स यू, होली शुभकामना प्रभु लाइफ को, नीचे आपका एजेंट का फोटो, एजेंट ऐसे खड़ा होना चाहिए, मस्त ब्रांडिंग। खर्च करो, करो खर्च। देखो सर, याद रखो एक बात, आप ना सर होली में ना साथी लोगों को ये दोगे ना 5 बोतल, उससे कुछ नहीं होगा। उसी 5 बोतल का पैसा बचा के अगर अपने घर के सामने एक बड़ी सी बोर्ड लगा दोगे ना, उससे बहुत काम हो सकता है। अपना ब्रांड बनाओ। क्या बनाओ? अपना ब्रांड बनाओ। पीपल्स आर इन्वेस्टिंग ऑन यू, नॉट इन योर कंपनी। आई रिपीट, जब भी आप लोगों से मिलते हो ना, उसको उस वक्त ना आप दिखते हो, प्रभु लाइफ नहीं दिखता है। अगर कोई आदमी आपको पैसा देता है तो प्रभु लाइफ को नहीं देता है, वो तुमको देता है दोस्त। तो तुमको देता है, बाद में कंपनी आती है, सेल्समैन पहले आता है। तो इसका मतलब सेल्समैन को अच्छा होना चाहिए, सेल्समैन का ब्रांड ज्यादा होना चाहिए। कितने लोग प्रभु लाइफ को जानते? नहीं जानते। कितने लोग सानिमा लाइफ को जानते? नहीं जानते। कितने लोग महालक्ष्मी लाइफ को जानते? नहीं जानते। आप जाते हो, आपको जानता है, यस और नो? तो जब आपको जानता है, आपका ब्रांड होना चाहिए। कंपनी का ब्रांड सेकेंडरी है। मैं सिंपल बोलता हूं, सेल्स के धंधे में ना कंपनी इज सेकेंडरी, सेल्समैन इज द प्राइमरी। समझ में आ रहा है, यस और नो? कंपनी इज सेकेंड ऑप्शन, सेल्समैन इज द फर्स्ट ऑप्शन। समझ में आ रहा है? तो यस और नो लिखिए जल्दी से। जब भी आप जाओ ना, सुनो, जब भी आप जाओ अपने आप को रिप्रेजेंट करो। आपके ऊपर कस्टमर को ज्यादा कॉन्फिडेंस है। मैं एक हमेशा जानता हूं सर, सभी लोगों को मैं बता दूं, मान लो आपने एक पॉलिसी सेल किया और उस पॉलिसी में कस्टमर को मैच्योरिटी मिलने वाला है, रिटर्न प्रीमियम कंप्लीट भाई, अब रिटर्न को टाइम आए, रिटर्निंग को, मैच्योरिटी को, मैच्योरिटी को टाइम में कस्टमर लेके भन्छ, हजुर सर मैले तपाईको पॉलिसीमा इन्वेस्टमेंट गरेको थिए। के गरेको थिए? कस्टमर नेपाल में क्या बोलता मालूम है? मैं जानता हूं, नेपाल में लोग बोलते हैं, सर मैले तपाईको त्यो इन्वेस्टमेंट त्यो पॉलिसीमा इन्वेस्ट गरेको थिए, अब त्यो मैच्योरिटी को पैसा चाहिँ तपाईले कहिले दिनुहुन्छ? प्रीमियम चाहिँ कहिले दिए? कस्टमरले। कसलाई दिए? कंपनीले। तर कस्टमरले के भन्छ? तपाईको सर मैले तपाईको त्यो प्लानमा अस्ति मैले इन्वेस्टमेंट गरेको थिए 10 वर्ष अगाडि, अब त्यो 10 वर्ष कम्प्लिट भए, सर तपाईले त्यो प्रिमियमको बदलामा त्यो रिटर्निङ चाहिँ कहिले दिनुहुन्छ? यानि कि कस्टमरको याद भी नहीं है, कम्पनी कहाँ है, वेयर इज द कम्पनी, हु इज द कम्पनी। कस्टमर को सिर्फ एक ही बात है, यू आर द सेल्समैन एंड आई हैव पेड अगेंस्ट यू एंड यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर माई रिटर्न, यस और नो? तो इसके लिए जब आपको देख के कस्टमर पैसा देता है ना, तो आपका ब्रांड बड़ा होना चाहिए। आपको बताओ, प्रभु लाइफ का हर एक एजेंट अपने आप में एक कंपनी है। आप जब जाते हो ना लोगों से मिलने के लिए, तो आपका कस्टमर प्रभु लाइफ का लोगो देख के नहीं, आपका चेहरा देख के प्रीमियम डालता है, यस और नो? डू यू एग्री विथ मी? आपका चेहरा देखता है, उसको मालूम नहीं है डीजीएम कौन है, मालूम नहीं है सीईओ कौन है, उसको कुछ भी मालूम नहीं, उसको बस इतना मालूम है कि मेरे पैसे का अगर कुछ भी इधर उधर होगा तो ये दीपेंद्र कानू, ये संजय राय, ये हमारा जो कस्टमर एजेंट है, ये मेरा पैसा मुझे वापस करेगा। तो इसके लिए कॉन्फिडेंस आपके ऊपर है, तो आपका भी एक ब्रांड होना चाहिए दोस्तों। एनीवे, दैट्स ऑल फॉर टुडेज प्रेजेंटेशन। मैं और ज्यादा टाइम नहीं लूंगा क्योंकि मेरी फ्लाइट है इवनिंग को 8:30 को, तो मुझे निकलना भी है। दोस्तों, बात करने से पहले, लास्ट जाने से पहले बता दूं, आपके पास 2 बहुत ही बेहतरीन प्लान है जितना मैंने आज देखा। 2 बेस्ट प्लान ऑफ प्रभु लाइफ। फर्स्ट वन इज अमूल्य जीवन बीमा,
होल लाइफ विथ इन्डोमेंट प्लान, मेरो भविष्य मेरो हातमा, अमूल्य जीवन बीमा छ मेरो साथमा, बहुत बढ़िया प्लान है, बहुत ही शानदार प्लान है। और दूसरा जो हमारा प्लान है जिसको मैंने नोटिस किया, आज आपके डीजीएम सर को कॉल करके मैंने पूछा, सर आपके पास जो प्लान है मुझे बताओ, उन्होंने मुझे बताया सर वी हैव टू डिफरेंट एंड टू वन ऑफ द बेस्ट प्लान, सेकेंड वन इज समृद्ध जीवन बीमा। ये समृद्ध जीवन बीमा योजना इज द सिंपल इंडोमेंट प्लान, दैट्स मीन सावधिक बीमा हो र फर्स्ट पहला को त्यो आजीवन र सावधिक र सेकेंड को सावधिक इंडोमेंट बीमा, यो दुईटा प्लान धेरै राम्रो प्लान छ। मैले पनि यो प्लान लाई स्टडी गरे, धेरै राम्रो प्लान, लाइफ टाइम रिस्क कभर को सँगमा ऑल राइडर बेनिफिट र मैच्युरिटी पनि धेरै राम्रो हो, बोनस पनि धेरै राम्रो छ। इन फ्यूचर प्रभु लाइफ को डेवलपमेंट का सँगै सँगै प्रभु लाइफ को सबै पॉलिसी को प्रीमियम को पॉलिसी को मैच्युरिटी को बोनस पनि धेरै बढी हालछ, मलाई एक्सपेक्टेशन हो। तर एक्सपेक्टेशन को लागि मेरो सबभन्दा एउटै रिक्वेस्ट हो, तपाईको सबैजनासँग एउटै रिक्वेस्ट हो, त्यो रिक्वेस्ट के हो भन्नुस् त, आप लोग जितना पॉलिसी बेचोगे दोस्तों उतना ही प्रीमियम उतना ही बोनस बढ़ जाएगा। आपको मालूम है प्रभु लाइफ का बोनस दूसरे कंपनी के कंपैरिजन में थोड़ा कम है, क्यों? क्योंकि दूसरे कंपनी के कंपैरिजन में हम कम बीमा बेचते हैं। आप जितना बीमा बेचोगे, जितना कंपनी को रेवेन्यू जनरेट होगा, जितना कंपनी को पैसा जनरेट होगा, जितना कंपनी को प्रीमियम कलेक्शन होगा, जितना कंपनी उस पैसे को इन्वेस्टमेंट करेगी, जितना उस प्रभु लाइफ के पूरी कंपनी को इन्वेस्टमेंट से रिटर्न होगा, उतना ही आपके पॉलिसी का प्रीमियम पे बोनस बढ़ जाएगा। तो दोस्तों जाने से पहले मेरा आप सब लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि बोनस बढ़ाने के मुहिम में लग जाइए। बोनस बढ़ाना हमारा सपना होना चाहिए, और भी ज्यादा 100 रुपए का बोनस प्रभु लाइफ का अगले 2 साल के अंदर होना चाहिए। और आप लोग जबरदस्त बेचो, आपको जो प्लान समझ में आता है, मनी बैक, लाइफ टाइम रिस्क कवर या फिर इंडोमेंट, जो समझ में आता है बेचो। जाने से पहले आप सभी लोगों को सेट योर ऑन गोल MDRT 2024, दिस इज माय कंपनी काइट कॉर्पोरेशन, आप सब लोगों को थैंक्स एंड ऑल द वेरी बेस्ट बोलता है। बट जाने से पहले मैं आप लोगों से इस मीटिंग का फीडबैक लेना चाहूंगा, सबै जना नेपाली मा, हिंदी मा, इंग्लिश मा, जुन लैंग्वेज मा तपाईले सजिलो हुन्छ, प्लीज पोस्ट योर फीडबैक थ्रू चैट कि आज को यो मीटिंग, आज को यो वेबिनार तपाईले कस्तो मन पड़े, सबै जनालाई प्लीज एकै चुटी एकै सेंटेंस मा सानो खालको लेख दिनुस् के सबै जना, प्लीज मलाई पनि हेर्नुको अलिकति इच्छा हो। क्या लगता है मुझे, क्या दोबारा आपकी कंपनी के सभी लोगों के सामने फिजिकली फेस टू फेस सेमिनार में काठमांडू और सम अदर प्लेस मुझे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? मिलना चाहते हो आप लोग मुझसे कभी नेक्स्ट टाइम इन नेपाल? यस, ओके ओके। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन, ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल द एजेंट फ्रेंड्स ऑफ प्रभु लाइफ इंश्योरेंस। विश्वास, सुरक्षा र समृद्धि, सबै जनाको विश्वास, सुरक्षा र समृद्धिको सँगसँगमा सबै जनालाई लाइफमा चाहिँ धेरै अघि, क्या बोल्थे उसको, अगाडि, धेरै अगाडि आगे बढो, अच्छा काम गरो, सबै जनाको अल द भेरी बेस्ट, थ्याङ्क यू, अल द भेरी बेस्ट। नाउ आई रिक्वेस्ट टु आवर म्यानेजमेन्ट टिम, प्रभु लाइफ जो है हमारे, मैं उनको रिक्वेस्ट करूंगा, सर थैंक यू फॉर गिविंग मी सच अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू मीट ऑल द इंश्योरेंस एडवाइजर ऑफ प्रभु लाइफ थ्रू वेबिनार। बट ये भी एक अच्छा एक प्लेटफॉर्म होता है इंडिया में बैठ के, मुंबई में रह के आप लोगों से मिलना। सो मैं अभी हमारे प्रभु लाइफ में देखना चाहता हूँ पार्टिसिपेंट्स, प्रभु लाइफ, जस्ट वेट, हाँ मैं उनको अभी स्विच करता हूँ, ट्रांसफर करता हूँ प्रभु लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड, मैं उनको को होस्ट अथॉरिटी में उनको स्विच करता हूँ। सर मैं आपको होस्ट अथॉरिटी स्विच करने वाला हूँ, मेक होस्ट, थैंक यू सर। नाउ जाने से पहले मैं आप लोगों को फिर से एक बार थैंक यू, एक बार फिर से सभी लोगों को मैं हाथ जोड़ के थैंक यू कहना चाहूंगा कि सब लोग बढ़िया काम करो, अच्छा काम करो, प्रभु लाइफ को नंबर वन लेके जाओ, बिजनेस वाइज, रिटर्न वाइज, कलेक्शन वाइज, प्रीमियम वाइज आप लोग अच्छा करो, बहुत ही बढ़िया करो। सीईओ सर, डीजीएम सर, उनसे जो भी आपको सपोर्ट मिलना है वो मिलते रहेगा, सारे रीजनल मैनेजर आपको सपोर्ट करते रहेंगे, थैंक यू सभी जना लाए, फिर ही एक पलटा धीरे धीरे धन्यवाद। आशा कर दीछू सभी जना को यो मीटिंग चाहिए रामरो, क्या बोलते, लगा होगा, ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। नाउ आई हैंड ओवर टू दिस प्लेटफॉर्म टू आवर
वेट प्रभु लाइफ किधर है या डन सर होस्ट कंफर्म यस सर प्लीज Thank you so much. Thank you so much for your wonderful presentation. It was such a lovely presentation. I'm sure all our participants must have taken a lot of information from you. So thank you so much for your wonderful, wonderful presentation. Thank you so much once again. Vijay sir, can you hear me? Yes. I can hear you, sir. Okay, thank you so much. You know, I did not get any reaction from you, so I thought you know you could not hear me. So okay. So now you are going to end the session, no, sir? Yes, I'll be ending the session, but I'll just have a few moment with our friends as well. Okay, so can I leave now? Yes, sir. Thank you so much. Okay, sir. We'll get in touch with you once again. Sure. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Bye. ओके साथीहरु मलाई जस्तो लाग्छ तपाईहरु सबैजनालाई आजको सेसन अत्यन्त राम्रो लाग्यो होला मलाई हामी यहाँ बसेर सुन्दै गर्दा पनि हामीलाई पनि अत्यन्त रमाइलो लागेको छ साथीहरुको पार्टिसिपेसन जुन बीचबीचमा यहाँहरुको रिएक्सन आइरहेको थियो त्यो रिएक्सन हेर्दा पनि हामीलाई लागिरहेको थियो कि तपाईहरुलाई डेफिनेटली पनि सबैजनालाई राम्रो लागेको होला राम्रो लाग्यो भने सबैजनाले यसो थम्स अप दिउँ न अत्यन्त राम्रो सबैजनालाई राम्रो लाग्यो राम्रो वन्डरफुल सेसन थियो हामी सबैजनासँग मिलेको सान्दर्भिक हामीले के गर्नुपर्छ कसरी गर्नुपर्छ के हुनुपर्छ हाम्रो जे एजेन्सी भएर काम गर्दै हाम्रो लक्ष्य के हुनुपर्छ त्यो बारेमा उहाँले हामीलाई विथ एक्जाम्पल राम्रो राम्रो कुरा सुनाउनु भएको इट वाज सच अ वन्डरफुल सेसन डेफिनेटली आजको यो सेसनपछि हामीहरू फर्केर गइसकेपछि यो सेसनमा मात्रै जुन उत्साह जागर थियो त्यो यो सेसनमा मात्रै नभएर अब आगामी दिनहरूमा र हाम्रो प्रोफेसनमा हामी जुन प्रोफेसनमा छ त्यो प्रोफेसनमा पनि डेली डेली हामी लिएर आउँछौँ भन्ने मैले आशा पनि राखेको छौँ अब हाम्रो ब्रान्च म्यानेजर साथीहरू हुनुहुन्छ प्रोभिन्सर साथीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैजनाले आफ्नो आफ्नो साथीहरूलाई फेरि पनि यो ट्रेनिङको बारेमा एकचोटि बोलाएर कुराकानी गरेर इनहाउस सेसन गर्नुहोस् र यसलाई आगामी दिनमा हामीलाई एउटा फिडब्याक दिनुभयो भने आगामी दिनमा हामीले कसरी राम्रो गर्न सक्छौँ त्यो सबै एकचोटि गरौँ र यस महिनामा हामी अलरेडी हामी 17 गते 18 गते भइसकेको छौँ हाम्रा यो महिनाको लागि आएका स्किमहरू हाम्रो इन्टरनेसनल र डोमेस्टिक स्किमहरू छ त्यसमा यहाँहरू सबैजना क्वालिफाई हुनु भनेर म तपाईँहरूलाई पनि बेस्ट विसेस पनि दिन चाहन्छु सबैजना क्वालिफाई हुनु सबैजना सक्सेसफुल एजेन्ट हुनु सबैजना यो इयर एन्डमा आर्थिक वर्ष होइन इङ्ग्लिस क्यालेन्डर इयरमा आगामी 2024 लागि यहाँ आज जति पनि पार्टिसिपेन्ट हुन्छ सबैजना एमडिआरटी बन्नुहुन्छ भन्ने मैले आशा लिएको छ अवश्य पनि जुन हामी एउटा अभिकर्ता भन्ने प्रोफेसनमा आइसकेपछि हामी सक्सेसफुल हुनेको लागि एमडिआरटी नबनिकन हामी सक्सेसफुल हुँदैन रहेछौँ नत्र भने एमडिआरटी नबनिन्जेल हामी स्ट्रगलर्स नै हुँदो रहेछौँ सो यहाँहरू सबैजनालाई एउटा सक्सेसफुल एजेन्ट बन्नुहोस् सक्सेसफुल एजेन्सी म्यानेजर बन्नुहोस् र एमडिआरटी बन्नुहोस् यही भन्दै मैले आजको कार्यक्रमलाई यहाँहरू सबैजनालाई धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु र यहाँहरू सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच विश यु अल द बेस्ट हामी फागुन महिनामा अब अत्यन्त राम्रो गरौँ र उत्कृष्ट बनाऊ थ्याङ्क यू सो मच सबैजनालाई ओके ह्याप्पी होली राम्रोसँग मनाउनु होला हामी पनि मनाउँछौँ तपाईँहरू पनि मनाउनु होला मिल्यो भने सँगसँगै पनि मनाउला सो सबैजनालाई अल द बेस्ट Happy Holi, Subha Din, bye bye. Bye bye, Subha Din. Recording, Subha Din.